गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या है आपके पास पावर? हाय हाय, ये तो वो वाला शो लग रहा है। आप पाकिस्तानी हैं क्या? वो कौन है मुझ साहब जो क्राइम वाला शो करते हैं? नहीं नहीं, वैसे नहीं बोलना मुझे। जी अली रज़ा भाई, आप जानते हैं क्या, आप इसी तरह करते हैं, बड़े क्यूट से इंसान हैं। सो आज मैं इसी तरह पावरफुल बातें करने वाली हूँ। क्या है पावर आपकी? बहुत सारे लोग अपने पास हथियार रख के समझते हैं कि उनके अंदर पावर आ गई है। अब देखें, ये तो हो गई वो वाली गन शन वाली या छुरा वुरा, अल्लाह माफ़ करे, वो वाले हथियार जिससे आप फेक स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन एक्चुअल स्ट्रॉन्ग आप किन चीज़ों से बनते हैं? अब अगर आप अलग 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 लोग जो हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है, अगर हम उनकी उनको ऑब्जर्व करें तो हम हिसाब लगा सकते हैं। कोई हमारे इर्द गिर्द होगा जिसके साथ हम बहस नहीं कर सकते। भाई क्यों बहस इसलिए नहीं कर सकते? क्योंकि उसके पास लॉजिक्स है, उसकी जबान उसका हथियार है। आप किसी भी बारे में उससे बात करेंगे, वो आपको समझदारी वाला मशवरा देगा। आप कोई भी टॉपिक उसे दे देंगे, वो ऐसे बात करेगी या करेगा कि आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे कि नहीं भाई, इससे जो लॉजिक्स चाहिए होती है ये उससे भी बढ़कर दे देता है। सो वो जबान उसका हथियार है, उसकी पर्सनालिटी में सबसे बेहतर चीज़ उसकी ज़बान है, और इस तरह सारी उसकी पर्सनालिटी की चीज़ें मान पड़ जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ हथियार होती है कुछ लोगों में खूबसूरती, आदमियों में उनका हैंडसम होना, टॉल डार्क एंड हैंडसम नहीं कहते लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना, आपके फिज़िकल अपेयरेंस को देखकर कुछ लोगों का वो हथियार होता है। अरे दिमाग के कभी कभार बिल्कुल खाली होते हैं, बस ज़रा सी स्माइल कर देते हैं ना, ओहो सारे काम उनके यूँ निकल जाते हैं। सो कभी कभार ऐसा होता है खूबसूरती आपका हथियार बन जाती है। और आपको बताऊँ सच सच, इंसान को ख़ुद पता होता है कि उसका हथियार क्या है, वो कितना स्ट्रांग है। शायद एक सर्टेन एज तक नहीं पता चलता, लेकिन फिर वो अपनी पावर्स, अपनी स्ट्रेंथ को जानने लगता है, वही होता है उसका हथियार जो वो सही समझता है। दूसरी हो गई खूबसूरती, पहली हो गई ज़बान, तीसरी अगर मैं कहूँ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है आपकी ज़िंदगी का, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन। जो आपकी एजुकेशन है, वो कहते हैं ना अक्सर, हाय हाय ये क्या सब्जेक्ट ले लिया, इतना पढ़कर क्या करोगी। एजुकेशन, पढ़ाई कभी रायगा नहीं जाती ज़िंदगी में, कभी ना कभी। भले आप वो जो आपने पढ़ा है आप वो नौकरी नहीं करें, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी वो एजुकेशन आपके काम आती है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको खुद नहीं पता चलता कि आपका ये जो आप इतनी फ्लुएंटली अपनी जॉब में चल रहे हैं, ये शायद फ्लैशबैक में अगर आप जाके सोचें कि ओ ये वाली प्रैक्टिस तो मेरी उस वक्त पढ़ते हुए हुई थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एजुकेशन रायगा जाए। फिर चौथी स्ट्रेंथ या आपकी ज़िंदगी का हथियार है सलीका शौरी, सुघड़ापा, जो आपको जीन्स में भी मिलता है, आप इनहेरिट भी करते हैं, अपनी अम्मा को देखते हैं, नानी या दादी को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जैसे डेवलप हो जाता है। और आप उस सुघड़ापे से, सुघड़ापा सिर्फ घर की सफाई करना नहीं होता, सुघड़ापा रख रखाव रखना लोगों से, कम पैसों में किस तरह खर्च चलाना, जमा करना, अब मुश्किल वक्त में ख़ानदान को उससे निकालना, हल ढूंढना, सुघड़ापा, सलीका शुआरी जो है ना, इन सब चीज़ों का नाम है। महंगाई है तो किस तरह उस महंगाई में अपने आप को मोल्ड करके अपनी चादर जितनी है उतने फैर फैलाना, तो सुघड़ापा ये एक लेबल है हर आपके मतलब बिहेवियर्स का, जिस तरह आप बिहेव करते हैं ज़िंदगी में हर चीज़ को लेकर। तो और अगर मैं ये वाली बात करूं हथियार की, तो और अगर मैं सुघड़ापे से ही बात करूं, कभी कभार जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ख़वातीन को दौरा पड़ता है, चाहे हम सुघड़ हों या ना, हमें दौरा पड़ता है कि घर बड़ा गंदा हो गया, डीप क्लीन क्लेंजिंग होनी चाहिए, डीप क्लीन करना है इस घर को, तो आप पता नहीं क्या क्या हैक्स और क्या क्या चीज़ें लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आज मैं इतनी मज़े के शो को साथ आपके सामने आई हूँ, जो सेलेब्रिटीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, पुराने वक्तों में फ्रिज भी नहीं होता था, तो गोश्त सुखा के आप जो है वो सेव किया करते थे। बहुत सारी टेक्निक्स थी जो साइंटिफिक तौर पर नहीं थी, और आप उसको ऐसे ही
क्या कर रहे होते थे, चीज़ों को काटना, उनको पीसना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेक्निक्स बढ़ती गईं तो अब हलीम तक ऐसा आ गया है कि जो 20 मिनट में तैयार हो जाता है, दालें सारी पीसी भी। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। सो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, आसानियाँ पैदा होती गईं और उसी तरह वक्त और आगे बढ़ा है और इंसान अपने लिए आसानियाँ पैदा करता जा रहा है, करता जा रहा है कि उसे अगर घर की अपनी सफाई करनी है तो कितने सारे ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जो आपको नहीं पता अभी तक। और मेरा काम क्या है, आपको बताना कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आपकी पॉकेट पे फ्रेंडली है, आज हम आपको वो दिखाएंगे और आप जाके उसे खरीदेंगे और फिर मुझे दुआएं देंगे। फिर आज मैं दुआएं लेने आ गई, आज की दुआएं सुबह सुबह की भी मेरे पास आ जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, है एक वजह, बताऊँगी आपको पूरे शो में, अगर कहीं मुँह से निकल गई तो निकल गई, है एक वजह। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी सेलिब्रिटीज़ आपको गाइडलाइंस देंगी कि आप अगर सलीका शहर हैं या आपको दौरा पड़ा है सफाई का या सुघड़ापे का, सो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं आसपास आपके जो आपको शायद नहीं पता होगा या ऑनलाइन कहीं नज़र आते होंगे, लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज़ उसे इस्तेमाल करें और वो आज आपको दिखाएंगे और शायद ये भी बता दें कि उन्होंने कहाँ से ख़रीदें। सो जो सेलिब्रिटी आज यहाँ मौजूद है, हमें बड़े देख के चूज़ करना पड़ता है, हमें जब ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि कौन कितना सलीका शार है फिर ही हम कहते हैं अच्छा आप इस टॉपिक पर पूरे उतरते हैं। ये बहुत एक मैटर करती है चीज़, और इसलिए आपको सेलिब्रिटीज़ को बड़ी पर्सनली जानना पड़ता है, उनसे गपशप लगा के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई ये तो हमारे इस कंटेंट पे सूट करेंगे। हमारे साथ है मदीहा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, मज़े में हो? सेट, तुम बताओ? बस अल्लाह का शुक्र। अरे भाई बड़े दिनों बाद वेलकम करते हैं हम अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो शुक्राने पड़े अंबर, तुम इतना मिस किया अंदर चले गए, कितने शोज तुम्हारे बगैर गुजर गए मेरे। लेकिन अंबर ने अंदर से बहुत अच्छा शो दिया है सबको देखने के लिए। हाँ, बस आई थिंक मेरे लिए विनिंग पॉइंट यही था कि मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले बादशाह सलामत से। मैं वही कह रही थी, ये तो बेचारी इतनी प्यार मोहब्बत वाली लड़ नहीं सकती तो ये कैसे सबको मुंह देगी। हालांकि निदा मुझे अगर पता होता ना, मैं कई जगह मैं बोल सकती थी, देखो मैं हक के लिए लड़ सकती। तुम शराफत में मारी गई। मैं हक के लिए लड़ शराफत में ही मारे जाते हैं। जहां बोली दूसरों के लिए बोली, अपने नहीं अपने तो मैं सारा कामों में लगी रही, सफाइयों में कि ये कपड़ा चार क्यों निकाल लिए, सफाई कोई नहीं कर रहा, गंदा टेबल टॉप हर कोई। मैंने कहा यार क्या कितने फुअर है सबके सब, लिटरली हर कोई आपकी तरह सलीका शार नहीं होता। मैंने कहा ईमान से तो बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन अफसोस मुझे बहुत था मैं बाहर आ गई। मैं काश अभी वहाँ, मतलब आई कैन। अच्छा भाई हमारे शो पे इतने दिनों से नहीं आ रही थी बस। मगर एक चीज है, कितने लोग जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू व्यूअर्स, इतना पॉजिटिव। सबने कहा मॉर्निंग शो है नेगेटिव रोल्स, तो लोग समझते थे मैं हूँ इसके साथ। कितनों को एक इमेज बन जाता है, इमेज कह लेंगे भाई आपने मेरे दिल में जगह बना ली, तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। क्या बात जी। और हमारे पास, अरे ये भी बड़े दिनों बाद आई है मिजना वकास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इतनी बिजी हैं आप ब्रामो में, लिफ्ट ही नहीं कराती हमें माशाल्लाह। कैसी जामे और घरदारी में? हाँ ये भी तो जरूरी है, दोनों वो भी आ गई। आ गई और चौथी हमारी आज। तो भाई तुम पहले खड़ी हो, मुझे तुम्हारे कपड़े दिखाने। इतनी कोई मजे की कॉम्बिनेशन है, रहमा जमान हमारे साथ। आई लाइक अ पिंक हील्स। हां नहीं अब हील्स तो दिखाए ना, ये क्या है उसके पीछे छुप जाएंगी। पिंक ही कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आपको आइडिया दे दिया ना, पिंक हील्स ब्लैक एंड व्हाइट के एकदम तोड़ दिया ना कलर को, ब्रेक किया कलर ब्रेक। हां भाई ये सारी चीजें भी नोट करते हैं लोग। बड़ी अच्छा आज आपका मेकअप ग्लैमरस हुआ है, वरना बड़े हर वक्त सौके में आती है। हाँ हाँ आज ये फुल ग्लैम ब्यूटी बनकर आई हूँ। और ग्लैम ब्यूटी आपको बताएगी कि झाड़ू कैसे लगाना है, ये सफाई कैसे करनी है। I was thinking about it कि मैं इतना जो हीरोइन बन रही हूँ उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि पोछा कैसे ऐसे होना चाहिए। देखो जो फिल्म में अगर दिखाते हैं हीरोइन को किचन में, हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई भी किचन में ऐसे तैयार होके जाता होगा? सो हम आज मैं आपके लिए एक डेफिनेशन दे सकती हूँ दो तीन लफ्जों की, कतरीना और सकीना एक साथ। वेल वेल सेड, वेल सेड। और क्या, देखो ना ग्लैमरस और बताई की सारी सलीके की चीजें जो भाई चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप पायलट बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, घरदारी आप कुछ भी हो आपने करनी है। ट्रू ट्रू।
और बाकी सुगड़पन होना चाहिए, मतलब या तो होता है या नहीं होता. मैंने बहुत कोशिश की सुगड़ बनने की. दौरे पड़ते हैं, हफ्ते में 3 दिन सुगड़ रहती हूँ, हफ्ते में जो बाकी दिन बनते पुअड़ हो जाते हैं. तो मैं पता है, कोशिश की तो बस वही जीत है. और जैसे जैसे एज बढ़ी है थोड़ा और कि अल्लाह मियां मेरी बहू सुगड़ा है, मतलब मैं ये दुआ मैं तो कहती हूँ कैसी भी हूँ निदा, मुझे मैं कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मेरा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि मैं अगर मुझे जितना खपत है ना खड़ूस सास होती तू. नहीं मेरी बनती नहीं, मैं कहती अलग हो जाओ, क्योंकि या तो फिर साफ सुथरा रहो चीजें, वरना मेरा गुजारा नहीं होता. मेरी जो बहन की सास है ना वो बहुत सलीका शाहर है, सफाई ये स्पिक एंड स्पैन घर को रखती है, चमक रहा होता है उनका घर. तो मैं अपनी बहन को कहती हूँ मुझे दे दो यार उनको, मुझे दे दो. नहीं हो माशाल्लाह. अच्छा, माशाल्लाह. जो भी घर होता है चमका के रखती हूँ. और मेरी बहन बिल्कुल फूड तो उसकी सास सुगड़ वो बेचारी खुद ही करती रहती है, मासी आती चली जाती है फिर खुद कर रही हूँ. मैं उनको एडमायर कर रही होती हूँ अंदर अंदर, कहती हूँ सास की बेटा कभी कर लिया करो, मतलब के हाँ वो नहीं कहती ना खुद, यही तो अच्छी बात है. अच्छी उनकी बात है. अल्लाह सारी बातें खानदान की बता रही हूँ. नहीं, नहीं, अच्छी बात है. काटो काटो. प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है. हाँ अच्छा, जैसे कि मैं तुम लोगों को कह रही हूँ या तो कोई सलीका शार होता है या नहीं होता. तो कैटेगरी बताओ 1 to 10. जैसे मैं अपने बारे में कहूंगी कि 6. सही है, अबव एवरेज, लेकिन 4 नहीं हूँ, 6 हूँ 10 में से. तो आप अपने आप को सलीका शुआरी में कितने नंबर? 7. आप 8. भाई मैं तो 10 out of 10 बोलूँगा. हाँ भाई, ये तो हमें भी पता है, तुम्हारे पुराने जूते भी देख कर आए, पुराने कपड़े भी देख कर आए, हम कैसे रखे हुए पूरी दुनिया को पता. और अब तो तमाशा में सबने देख लिया, सफाइयां ही करी जा रही है. एक और फेमस हो गए आप इसलिए. हाँ अच्छा, मुझे बेचैनी लगी रहे और वो ऊपर से बस यूं ही साफ कर लेना, यूं बस आटा है चिकना है तेल, मैं उसको डाल के. तमाशा से जब निकली तो एआरवाई वालों ने ये तो नहीं कहा सुने आप हमारे फला स्टूडियो में चली जाए, शायद आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए सफाई का. अब आप प्लीज हमारे उस एरिया में चली जाए, हमारे उस एरिया में रह लूंगी यार. सफाई इससे क्या अच्छी बात है, आई एंजॉय इंशाल्लाह. बस 1 साल यहाँ रहना पड़ेगा तुम्हें. ट्रेनिंग पक्की. As long as काम है, सैलरी है, तो why not? काम करना है. हाँ भाई रहमा, तुम बताओ अपने आपको 1 to 10 में से सलीका शुआरी में से कितने नंबर दो? अच्छा, I'll be honest, क्योंकि मामा भी देख रही होंगी कि, तो मेरा ऐसा है कि मैं मूड पे चलती हूँ. हाँ. जब मुझे होता है ना कि अब 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया. हाँ. मेरा कमरा बहुत फैल गया, शूट्स पे बिजी थी, तो मैं बिल्कुल 10 on 10 वाली सफाई कर लेती हूँ, धो वो के सब कुछ करके. बट अगर नहीं भी करती तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ. मुझे ऐसा कोई OCD नहीं होता कि भाई ये फैला हुआ है अभी. खुद देन एंड देयर वाली सफाई मेरी नहीं है. अच्छा. बट हाँ, कर लेती हूँ जब मुझे करना होता है. ये मुझे समझ नहीं आ रही आजकल की लड़कियों का ये है. मेरी भी बेटी एकदम फैला के रखी कमरा, 2-3 दिन उसमें निकाल लेगी. हाँ. कूद कूद के जाएगी. हाँ. कपड़े और उसके बाद उसको दौरा पड़ेगा और 2 दिन बाद सारी सफाई करेगी, सब चीजें रखेगी. नहीं नहीं, आपने हाथ लगाएगा. तो मैं कहती तुम कूद कूद के कैसे जाती हो कपड़ों पे से? अच्छा, बट वही बात है ना कि रोज होता है, अच्छी बात है, बट कोई फायदा तो नहीं होता. वो मैं जाती हूँ फिर रोज ही फैल जाता है. मेकअप यहाँ पड़ा है, कपड़े वहाँ पड़े हैं, शूट के सामान अलीजे कमरा देखती मुझे लगता है ऐसा जलजला. मैं कहा अलीजे 1 दिन से ज्यादा जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं घर से बाहर निकाल दूंगी. तो अलीजे में तुम्हारी कोई जरासीम आए? नहीं, वो वाले नहीं है. सफाई पे गई है, बताओ. सफाई वाले नहीं है. किरण भी तुम्हारे जैसी है, तुम भी किरण की जैसी. बड़ी वाली जो बेटी है ना आनम, वो भी करती है, लेकिन ये नहीं कि अब शुरू में कि अभी करो. वो 2 दिन के बाद जब कर लेगी अपनी चीजें तरीके से. अच्छा, मुझे होती कि नहीं यार हर चीज साफ सुथरी. हाँ. एंटर हो तो कोई चीज बाहर नहीं हो, मेरा कमरा भी साफ सुथरा हो. हाँ. चीज यहाँ से वहां भी मैं सारा वक्त कुशन जो है ना, क्या मुसीबत है, कुशन टेढ़े मेढ़े. मैं मुझसे कुछ सही करती रहती थी. हाँ. कुशन तो एक वो मुझे है आदत बेसिकली. हाँ. तो अच्छा, अब देखो जो सलीका शार होता है वो होता है. मतलब तुम्हारा बच्चा छोटा है अभी, ठीक है, तो तुम बच्चे के होने के बाद तुम्हारी इसमें कुछ लगता है तुम्हें चेंजेस आई है तुम्हारी? बहुत सारे चेंजेस आए. मैंने कभी अपनी अलमारी साफ नहीं की, अब मैं उसके सारे कपड़े तय करके. अच्छा, ज्यादा से लीक शार हो गई? ओहो, मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा है.
बहुत ज्यादा उसको बहुत उलझन होती है कि अगर फर्श पे कुछ है तो फौरन साफ करना है. हम सोचते हैं ना जरा कि अभी कर लेंगे, अभी शूट से आए तो फौरन होता है कि किचन में कुछ किया है तो फौरन साफ हो जाए, आपको फर्श भी साफ. अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो इस तरह के हस्बैंड्स हैं वो मुश्किल कभी कभी अच्छे लगते हैं, कभी कभी बुरे लगना शुरू हो जाते हैं. अभी होता है कि नहा के आई हो अब इतनी जल्दी में होते हैं हम लोग, कभी वाइपर मार देती तुम्हें पता है आहिल जा सकता है वो गिर भी जाएगा. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना, आप लोग तो फुर्सत में होते हैं 9 to 5 वाले लोग. शुक्र है मेरा मियां खली का शारनी फिर सही है. हाँ, एक दो बातें कह देता है और लेकिन फिर उसके बाद कुछ हफ्ते बाद उसको होता है निदा वो तुम्हें नजर आ रहा है, मेरे नजर कमजोर है तो तुम्हें जाले नजर आ रहे हैं. मैंने कहा अच्छा तो साफ क्यों नहीं करवाया आपने. चलो क्योंकि मैंने तो साफ नहीं करने वो, लेकिन वो मुझे निशानदेही करा देते हैं मेरी नजर कमजोर है. अच्छी बात, पंखे देखो स्विचेस देखो, बस अब थोड़ा थोड़ा ये बोलता है हर वक्त सर पे नहीं सवार कि ये साफ करो वो करो. ये तो सही है. नहीं नहीं, और एक सुबह जब हम शूट पे जा रहे होते हैं ना तो मैं 3 to 4 शर्ट्स तो चेंज करती हूँ, शायद सभी करते होंगे कि कौन सी सही लग रही है अच्छा ये, तो वो इधर उधर रखी हुई होती हैं. तो वो मुझे कॉल करके 6 बजे बताता है तुम ये यहाँ छोड़ के गई हो, यहाँ छोड़ के गई हो. इंसान जाते जाते समेट लेता है, हैंग करके चला जाता है. नहीं मुझे तो ये ताना सुनने को मिला, मैं अपनी बेटी को डांटती हूँ क्या क्या कपड़े उतार के ऐसे छोड़ दी फलाना, तो पीछे से मेरी मियाँ की आवाज़ आती है तुम पे ही गई है. तुम पे बेटी तुम पे गई है क्या करे. उसको तो ये आहिल भी खेलता है ना अपने टॉयज से, तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि बस खेल लिया अब जल्दी से रख दो जगह पर रख दो फौरन रख दो. मैंने कहा बच्चा है वो खेलेगा यार अपनी चीजों से और क्या. अच्छा अब जैसे तुम लोग कहीं ग्रोसरी करने जाते हो शॉपिंग पे जाते हो तो कुछ जैसे मेरी अम्मी की आदत थी वो क्रॉकरी उठा के ले आती थी, मतलब जरूरत नहीं है लेकिन उनको शौक था. तो सब्जियां पुदीना धनिया लेने गई है लेकिन एक कुछ बोल कोई लेकर आ रही हाँ तो लाइक सबकी एक आदत होती है. तो मतिया तुम जाती हो जब शॉपिंग पे तो तुम्हें क्या ऑब्सेशन है किस चीज़ की शॉपिंग का घर कर क्या. बेसिकली मुझे होता है कि जो भी चीज़ है वो कन्वीनियंस के लिए हो मेरे. अच्छा तो जब मैं कन्वीनियंस को देखती हूँ तो अब आजकल जितने भी गैजेट्स इस तरह की चीज़ें आ गई हैं आपके किचन्स के लिए या आपके जनरली लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, तो मेरा मैं और शाजिल को भी गैजेट्स का शौक है बहुत. अच्छा. तो मैं उसके साथ साथ ज़रा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेती हूँ तो फिर नई नई चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं. हाँ. तो फिर उनमें से ज़्यादा उठा रही होती हूँ मैं कि अच्छा ये ले लेते हैं ये बर्तन धोने के लिए इजी हो जाएगा. हाँ. अच्छा ये ले लेते हैं ये फ्रिज के लिए इजी हो जाएगा या ये चीज़ ले लेते हैं जैसे टीवी की वायर्स लटकी हुई होती हैं उनको समेटने में. इस तरह की चीज़ें मुझे देखने का और खरीदने का बहुत शौक है. तो आज इसीलिए इसी टॉपिक पर आ गए हैं हम क्योंकि मेरा तो बहुत फोकस्ड होता है कि क्या क्या चीजें लेनी है लेकिन उसके बावजूद बस थोड़ी नजरें होती हैं कि अच्छा कुछ आपने ऑनलाइन देखा था और वो यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि होता है ना कि ऑनलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. आप खुद जाते हैं तो थोड़ा नॉर्मल प्राइस पे आपको मिल जाता है. नहीं ऑनलाइन ये भी गड़बड़ होती है, आप मंगाओ कुछ वो हम करेंगे उस पर शो. फिक्र ना करें जो मुझे भेजे है ना कपड़े इंतजार करने के बाद वो इतना सा आया और मैंने उसके बारे में पोस्ट भी डाला था. मैंने कहा ये क्या मेरे साथ मजाक किया इस ब्रांड ने. तुम लेके आना शो करेंगे लेकर आएंगे हम घर तक पहुंचा के. मुझे मैंने इतना प्यारा एक खूबसूरत जोड़ा था वो ऑर्डर किया और वो देखने में ही लग रहा था कि शिफॉन जॉर्जेट वगैरह. उन्होंने लिखा नहीं था क्या मटेरियल आया ना बनियान का कपड़ा. नहीं करो कसम से नाइट सूट से भी बदतर वो टाई एंड डाई कपड़ा था नाइट सूट से भी बदतर. और मेरे मियाँ ने मेरा इतना मजाक उड़ाया बच्चे भी मिल गए. कब पहने के आप शो पे पहन के जरूर जाइएगा. और उन्हें ये भी अंदाजा था निदा यासर को दे रहे को नाम ले नहीं, सके. जिसको भी दे रहे हो चलो मुझे दे रहे हैं किसी आम लोगों को भी देते. अभी ऑनलाइन स्टोर्स पे एक स्कैम चल रहा था उसकी मैंने पोस्ट देखी थी कि आप लोग वो लोग ओपन नहीं करने देते ना जब तक आप पे ना कर दें सारा कुछ. तो कैश तो अगर किसी ने कोई बड़ा ऑर्डर किया है या किसी ने 4-5 कपड़े ज्यादा मंगा लिए तो वो पैकेट्स के अंदर पिलो डाल के दे रहे हैं और 10-12-15 हज़ार का जो भी बिल है वो लेके चले गए घर जाके जब तक खोला तब तक वो लोग निकल गए ना फिर कॉल उठाते हैं ना कुछ. पिलो पिलो डाल के दे दिया अगर फैब्रिक है तो सॉफ्ट मटेरियल डाल दिया. अगर गलत चीज़ आपने आयरन अगर आपने कोई इस्त्री मंगाई है बॉक्स के अंदर होगी वो उन्होंने कहीं से वो आई थिंक हैक कर रहे हैं या क्या सबके ऑर्डर्स देख रहे हैं जिनको वो उनका एड्रेस और सब कुछ मिल जाता है उन्हें और वो खाली डब्बा जाके कुछ भर के दे दिया बस वजन के लिए. हैकर्स होंगे वो. ये सही कह रही है कि कुछ ऑनलाइन पे लेकिन जिसे मुझे भेजा वो हैकर नहीं है. नहीं वो तो मैंने मंगाई अपने कपड़े थे उसने मेरे मियाँ के कपड़े भेज दिए. तुमने वापस नहीं करवाया तुमने कहा नहीं कि आपने क्या किया तो रिप्लाई नहीं करते. फिर तुमने कहा कि आपने मटेरियल कैसा है वापस करें
अभी करूंगी ना, फिक्र नहीं करो, शो करूंगी पूरा, कर लेंगे, मान जाएंगे बिल्कुल। हाँ भाई, मेरी टीम कह रही है सुने आज ऑनलाइन वाला शो नहीं, अपने दिल के फपोड़े ना पोड़े, जो मुद्दा है उस पर है, तो चलो आते तुमसे अंबर शुरू करते हैं। हाँ, तुम हमेशा ढूंढती रहती हो कोई ना कोई ऐसी चीज ना घर के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है मुझे बड़ा अच्छी लगती है ये क्या है, ये बॉल। तुम क्या जब बड़ी से बॉल खेल लो, बोर हो रहे हो। दरअसल ये क्या है कि आप जब ट्रैवलिंग होती है ना, तो इसमें है रेनकोट, रेनकोट खोल के दिखाओ, हमें तो यकीन नहीं आ रहा ये क्या इतना पिद्दा सा। आप वहाँ, मुझे याद है क्योंकि एक दफा जब मैं और किरण गए थे ना यूएसए फर्स्ट टाइम, तो अचानक से वहाँ पे बारिश हो गई कि मौसम यूँ चेंज होता है ना, तो हम लोगों ने थैलियाँ जो थी ना वो काट के पहनी थी लिटरली। उस दिन के पास जब मैं गई ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, लग रही होगी। तो इसके फिर ये देखो, ये रेनकोट ये आपके पास है, जब भी बारिश हो ये आप पहन सकते, वेरी नाइस, आराम, चार पांच दफा तो चली जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चल कितना छोटा सा जेब में डाल, और भी मिल जाते होंगे, और अलग से बॉल टाइम है बस, एक और अलग से भी लाई, तो बस ये बॉल रख संभाल के, ये तो अच्छी चीज है यार। अब पहन के भी दिखाऊं, पता है बहुत खा करो तुम तो ऐसे, इतनी पहन के तो ना दिखाऊं ना। हां नहीं, मेरे लिए तो बहुत, पहन भी लूंगी, पहन के तो नहीं यार, इतने महंगे महंगे। एक दफा बारिश हुई हम नॉर्वे गए थे, मैं हूं अंबर खान, सब काम कर सकती हूं यार, हम नॉर्वे गए थे, एक दफा बारिश हुई, इतनी महंगी महंगी हमने छतरियां खरीदी, इतनी महंगे रेनकोट्स खरीदे, और उसके बाद पाकिस्तान घसीट के लाए वो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए ट्रैवलिंग में हैवी सामान मुश्किल होता है। देखो ना ये अब ये कि आराम से अब आप बाहर घूमे और खत्म भाई, तुम लोगों ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। आप सोचे एक बॉल में अंबर की फिट आ गई है, देखो यही तो मेन है, और कितना कितना पतला सा देखो उसके अंदर। हाँ, बहुत अच्छा। और ये अलग से सुनो, ये क्या तुम बाहर से अमेरिका से लेकर आई? हाँ, ये मैं वहाँ से लेकर आई, तो ये यहाँ मिल जाएगा ऑनलाइन, ये मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाती है आजकल, तो हर चीज मिल जाती है, हर चीज मिलती है। हाँ, तो ऑनलाइन, लेकिन आप ऑनलाइन अगर हम लिखे तो इसको क्या करें, रेनकोट इन अ बॉल। पाकिस्तान में भी एक दो स्टोर्स ऐसे हैं, वहाँ पे आप जाओ ना, बहुत क्यूट क्यूट सी और पॉकेट फ्रेंडली चीजें मिल जाती हैं, जिसका नाम एम से शुरू होता है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम बी से शुरू होता है, समझ तो गए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले हमारी अंबर को रेनकोट में, बारिश के कोई आसार नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको दिखाया कि रेनकोट इन अ बॉल कितना मजे का गैजेट है। हाँ, ये है ना, वाकई बेहतरीन है, और साथ लटका लो, आप कभी बारिश हो जाए, चेंज हो जाए वेदर, आपने लिया कर लिया, फिक्र ही नहीं। उसमें की चेन भी लगी हुई है ना? यस, आराम से जेबों में नहीं आया, बैग के साथ लटका, बिल्कुल, वेरी नाइस जी। मिस ना क्या दिखा? कुछ भी दिखा, किसी और पे चली जाओ, तुम्हारे एक मैट है। हम कैबिनेट में जिस तरह अपने पेपर्स वगैरह लगाते हैं या अखबार लगाते हैं, तो उससे कॉकरोचेस बहुत सारे आ जाते हैं, तो अगर आप ये यूज करेंगे तो एक तो ये वाटर प्रूफ है, अखबार आपके गीले हो जाते हैं, आप काट के भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्या मटेरियल क्या है इसमें? देखो ना, कुछ पेपर पे लिखा हुआ होगा ना। हाँ अच्छा, इसकी खासियत ड्रॉर्स एंड कीप आइटम्स फ्रॉम स्लाइडिंग अगेंस्ट वन अनदर। भी रख सकते हैं आप, अच्छी चीज है वो जो है ना, अक्सर मैंने देखा है घरों में ना, वो मार्बल पे करते हैं, वो उस पर नहीं करते, जो मेरी अम्मी भी उसी पे रोटी बनाती हैं, जो मार्बल पे ज्यादा अच्छा होते, काउंटर पे ज्यादा। आप ये जो स्लिपरी वाली साइड है शायद उस तरफ कर सकते हैं, पिसलेगा भी नहीं, है ना? ओके भाई, बताइए मदिया।
ये गुलाब के फूल तुम क्या लाई? ये देखो आज मैं तेरे फूल लाई हूँ। शर्म नहीं आती? चेक करो, आजकल मैं तुम्हें फूल दूंगी। मेरा मियाँ यहाँ नहीं है, तुम ले लो ये फूल। ये डेकोरेशन है क्या? सर बेसिकली करें ये कि आप इसमें फूल डालें, ये सिलिकॉन है, कहीं भी चिपक सकता है, ये लैंप पर भी चिपक सकता है। ओ वाओ। हाँ, और इसके अंदर आप फूल डाल दें या आपको कोई भी डेकोरेशन डालनी है तो आप वो डाल दें। देखो लकड़ी पे भी शायद चिपकेगा, देखती हूँ पहले चिपका के, फूल डाल के देखू। ओरिजिनल हाँ, ये तो भारी है, ओरिजिनल डालेगी चिपक जाता है। मतलब ये अभी चिपक है ना, इसलिए उसका भी इधर से लगा के यहाँ चिपका दो। नहीं, इधर नीचे पकड़ा हुआ, बेसिकली दीवार पे या कहीं भी आप इसको, दीवार वाला मटेरियल है ना जो, ये वाला नहीं, ये सिलिकॉन है ना, जैसे ये दीवार पे या शीशे पे चिपकेगा, इस पे इस तरह की चीजों पे चिपक सकता है, फ्रिज पे चिपकेगा, शीशे पे चिपकेगा, उसके अंदर आपने कोई भी फूल, इवन मेकअप के ब्रशेस डाल सकते हैं शीशे पे लगा के। ओ गुड आइडिया, अक्सर हम मेकअप की चीजें लेके कवर करते हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रश मिल नहीं रहा, गिर गया नीचे, ये बहुत अच्छा, इसके अंदर ब्रशेस डाले, ये हाँ हाँ हम मेकअप का सोचेंगे कि भाई देखे, अरे वाह, हमें फूल नहीं चाहिए। हाँ सही है, बेस्ट है। तो ये तुमने यहीं से ऑनलाइन मंगाया? ये यहीं से ऑनलाइन मंगाया मैंने। हाँ अच्छा। हाँ फूल तो खैर मैंने, क्या कहें, फूल मैंने आप लोगों से लिए हाँ। सिर्फ एक वो प्रेजेंटेशन के लिए, बट यूजुअली स्टिकॉन जो है इसमें ब्रशेस सिलिकॉन के और इस तरह स्टिकॉन। अच्छा, स्टिकॉन सिलिकॉन वाज स्टिकॉन वाज और वेज व्हाटएवर। हां वेज वेज प्रेजेंटेशन, सो या हां जी ओके। तो मैं दिखाती हूं ये छोटी क्यूट सी चीज, एंड दिस इज अ टॉवल। क्या जी ये क्या, ओढ़ के मत दिखा दे। वो आई लीव दैट फॉर हर, रहमान दा के शो। नहीं नहीं, कुछ खाएंगे पिएंगे तो मुंह साफ कर सकते हैं। दिखाओ। ओके, सो बेसिकली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग या आप कहीं जा रहे हैं और आप जाहिर है बड़ी बड़ी चीजें नहीं रख सकते, आप दो चार की जगह घेरती है। हाँ, आप दो चार इसको अपने बैग में डाल दो, और फिर अगर आप बहुत लंबी फ्लाइट से या जो भी है, गर्म पानी, यू नीड अ वाटर, आई मीन अ कप ऑफ वाटर। पानी जी, उस पानी दो ना इसको। इज इट टॉवल और या इट्स अ वेट वाइप? वेट वन, I mean, हाँ, I wet wipe ही होगा। I mean, yeah. अगर आप इसको खोलो, उसको पूरा निचोड़ लो, फिर rose water spray कर लो। So it's exactly wet wipes. I think I can present it better. और I think ये दो तीन दफा इस्तेमाल हो या throw away। Yeah, नहीं, I think एक बार it's better. लेकिन it's very new. ये बाप बात साफ करे ना आने के बाद। Let's see. It's not the towel, it's wipe. लेकिन खोलो ना, खोलो। लिखा होगा ना? एक हम break के दौरान करके देख लेंगे ना, इस पे क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ चाइनीज में, पढ़ नहीं सकता। मेरे ग्रीन टी में डाल सकती होगा चाहो तो। इट्स अ वाइप, वाइप ना, दैट्स इट्स अ वाइप, वाइप है क्योंकि वो फेस साफ करिए, और मतलब वो एक ही पर्पस होता है, पूरा क्लीन योर हैंड्स जब आप खाना वाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, बैग में रखे हैं, मुंह साफ कर लें, मुंह साफ कर लें, मुंह साफ कर लें, जस्ट टू फ्रेशन अप योरसेल्फ मे बी, या दैट्स इट। बस ये है इसका कि आपको वाइप्स के लिए जो वो वेट पूरा एक वेट वाइप्स का वो होता पैक रखना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। इसी में आप कुछ रोज वाटर डाल के कर लें, पानी में डाल के। चलो कुछ और दिखा दो ना फिर। ओके, सो नाउ वी हैव दिस शेडो। अच्छा, ये तो सबके पास होता है, मगर इसमें स्पेशल ये है कि इसका जो भी गिरेगा वो इसके अंदर ही रहेगा, एंड देन आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट, और बहुत like I have vegetable hai tumhare paas koi padhe aloo, ye aloo hai na, aloo, how do I grade aloo, basket mein bhi rakhi hai, kya grade aloo, yeah, acha jo bhi grade ho kar rahe hain, yeah, aap pickle picnic pe jaate hain, aapko badi problem hoti hai wahan is tarah salad ya kuch, to aap jo bhi grade kar rahe ho wo iske andar store ho jayega, jaise bachpan mein aise sharpeners bhi aaya karte the na, जो आप शार्प करो तो उसका सारा पील उसके अंदर रहता है, देन अंदर, हां तो दिस इज फॉर दैट। हम तो इसे कद्दूकश कहते हैं, हालांकि ग्रेटर है ये, लेकिन आम जमान में किचन में लोग इसे कद्दूकश कहते हैं। ठीक है, बचपन में शॉप में मैं तो सभी भी है। अच्छा, सुनन तो खाली कद्दू के लिए तो नहीं है ये, नहीं तो ये गोल भी क्रश कर सकते हैं, बट नाम कद्दूकश ही कहते हैं। तो आप कद्दू, अब जैसे चीज या कुछ कर रहे होते हैं तो उसके नीचे लाके प्लेट रखो, फिर उसको पकड़ो, उसकी ग्रिप जो है वो यूं यूं हो रहा होता है। ये थोड़ा सा बेहतर है किचन के लिए, कन्वीनियंट है किचन के लिए, अच्छा है।
और स्पेशली ना मैं वही कह रही हूँ, जब आप पिकनिक्स पे जा रहे हैं, समंदर पे जा रहे हैं, बेसिकली उसके रायता बनाना है बिरयानी के साथ, चीज भी श्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब कहीं जाने के लिए भी क्यों हम घर में भी छोटे साइज की और स्मॉल, जैसे आप जापान या कोरिया में देखें तो उनका, अगर आप उनकी हाउस होल्ड वाली वीडियोस देखें क्लीनिंग वाली, उफ इतने गैजेट्स हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता है देखते हुए। मुझे भी देखिए वाली वीडियोस कि वो स्टीमर है तो वो जूते साफ करने के बस डाल दिया और वो हो रहा है, फिर वो स्टरलाइज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब तो बहुत एडवांस है उनका, है ना। जब गैजेट्स की बात आई ना, तो देखो जैसे कि बिजली नहीं है, अब हमें कुछ, अब लहसुन है, अदरक हो या लहसुन, ये डाल कर यहाँ पर, और ये छोटा वो हो गया फूड फैक्ट्री। एक मिनट थोड़ा सा कैमरे में दिखाओगे लहसुन किस तरह डाल रहे हो, जरा प्लीज कैमरामैन थोड़ा नीचे करो, और नीचे मिनी फूड फैक्ट्री हो, ठीक है, देख रहा है, हाँ, ये डाला सही है, ये डाला थोड़ा सा, हाँ। अच्छा अब ये बिजली नहीं है, ये यहाँ से कितना अच्छा देखो ब्लेड है, और ये आपने ये किया, ये देखो ये सारा अंदर है, ये देखे आप देख रहे हैं, ये पीस के निकल रहा है, यस, ये अच्छा है यार। मेरा ना कल परसों मेरे मियाँ ने फरमाइश की कि गार्लिक ब्रेड बना के दो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने लहसुन फ्राई किए, मक्खन लिया, धनिया वनिया जो पार्सले उसमें डालना था वो लेके ना मैंने ब्लेंडर में डाला, पूरी तैयारी सब हो गई, तो ब्लेंडर खराब, पीस ही नहीं रहा, वही ना, देखो ये कैसे बड़े बड़े चंक्स रहे, देखें ये तो सही है यार, कभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो जाए, लाइट नहीं है, हाथ देखना कट ना जाए, निकाल लिया हर चीज दिखानी। वैसे ही मुझे लगता है पाकिस्तान अब हमको जो हालात हैं बिजली के, हमें स्टोन एज में लेके जा रहा है, सब कुछ मैन्युअली करो, तो मतलब इस टाइप के ना, अभी वही चीजें देखो कि आप कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ बिजली नहीं है, फॉर एग्जांपल पिकनिक, समंदर, तो आपके पास ये चीज होना चाहिए कि देन एंड देयर आपने लहसुन डाला, ये डाला, जो कैंपिंग पे जाए, लोग ट्रैकिंग पे जाए, तब कितनी चीजें काम आएंगे ना, बैकपैक के अंदर, बहुत बहुत इस तरह की चीज है, बहुत अच्छी है। तो ये अमेरिका से लाई हो कि यही? नहीं, ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर, मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाते कि मेड इन चाइना, कितनी व्हाट्सएप पे आती हैं, इतने मजे, तब मैंने कहा था छोटा सा जो है ना होना चाहिए किचन के अंदर। अच्छा एक मैंने भी ऑनलाइन मंगाया था, बड़ी अच्छी चीज है वो, मैं लाई नहीं, गलती हो गई मुझसे, वो एक वो नहीं मिल्क शेक्स वगैरह का होता है, छोटे छोटे से, उसमें छोटा सा वो ब्लेड लगा होता है, और वो बिजली से नहीं चलता, आप उसे मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर लें तो चार्ज हो जाता है, फिर आप उसे हैंडी, जैसे आपने चार्ज कर लिया स्मूदीज बनाने, स्मूदीज आप जैसे कि यहाँ मैंने ताजा ताजा लाओ भाई फ्रूट डालो, यहीं पे बैठ के डर अपने सामने डाला और ताजा ताजा स्मूदी बनाओ और पी लो। आजकल ये बड़ा मजे की चीज चल रही, बड़ी हैंडी है ना, बेसिकली हैंडी है, बड़े बड़े स्विच नहीं लगाना। मैंने एक वीडियो देखी थी, पोर्टेबल कर्लर था, और आप वो गाड़ी में जैसे हम स्ट्रेटनिंग करनी होती है, आगे वैसे आपने लेकर आना चाहिए था ना। मैं वही हूँ, मैं हैरान हूँ मैं क्यों नहीं लाई, मुझे अमेरिका में किसी ने एले में गिफ्ट किया था, मेरे दोस्त, कितनी मजे की चीज है ना, गाड़ी में बस चार्ज, अच्छी मोबाइल से वही उसी तरह चार्ज हो, या चार्जर से चार्ज हो, उसके बाद जब आपका चार्ज है मोबाइल की तरह, आप देर हो रही है, आपको पहुँचना है कहीं, अच्छा दिस इज सो गुड, आपके बाल अंदर जाते हैं उसमें और खुद कर्ल होके, जैसे नहीं है वो स्विच वाले, तो मैं लाई थी वो तो अलग था, वो भी ऐसे, वो दूसरा, वो तो डायसन था ना, ये ऐसा हैंडी है कि आपके मोबाइल की तरह चार्ज हो गया, इतना सा होता है, इससे छोटा सा, और जो है आपने गाड़ी में बैठे आपने यूं पकड़ी लट, उसके अंदर गई, ऐसा होता है कि मेरी आंख एक आध दफा ऐसा देर से खोली तो गाड़ी में मैंने मेकअप तो कर लिया, हेयर तो आके वही होगा, ब्लो ड्राई वगैरह, सो वो बड़े अच्छी चीज है कि आपको गाड़ी में ही ऑनलाइन मिल जाएगा, वैसे एले से मैंने लिया, मुझे गिफ्ट में जबरदस्त, और वो मेरी बेटी ने कब्जा कर लिया उस पे। इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है कि अच्छे कर्ल्स के बाल कर्ल्स हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं ना, बस अंदर वो उसके अंदर मशीन लेती है आपके, बस आप ख्याल से दें पतले पतले बाल इस तरह करके दें, वो खुद लेता है अंदर और उसके बाद वो बाल कर्ल करके दें। जी मिस, इनकी बारी थी ना, नहीं वो बता तो दिया मुझे, ये तो अच्छा वो सफाई नस्ती मान है, रोज नहाना चाहिए आप लोगों को, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, जिनके पास आप बैठना करते हैं।
तो अच्छी तरह आप इससे, अगर बहुत ज्यादा मैल नहीं है तो आपको ये वाली साइड यूज करनी है। अच्छा ठीक है, है क्या है क्या बता तो दो। बॉडी स्पंज नहाते हुए जैसे स्क्रबर की तरह करने के लिए। अच्छा अब तुम झावा लोफर्स होते हैं सिलिकॉन लोफर पत्थर का बोल दो अच्छा। और वो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट है झावा। अभी अभी तक करते हैं ऐसा, मिलते हैं वो स्क्रबर्स जो मिट्टी के बर्तन वालों के ठेले पे ही मिलते हैं। अब जैसे वो मैं कोई वीडियो देख रही थी तो छोटे बच्चे होते हैं ना अक्सर उनको नहाने पे जो चिड़े होते हैं वो नहीं सुन रहे होते, जिद कर रहे होते हैं। अब आजकल जमाना नहीं है मारपीट का, वरना हमारी अम्माएं तो चपेड़ लगा दी थी हम नहाने चले जाते थे। तो उस माँ ने क्या किया, टेक्नो माँ थी वो, ये बच्चा सो रहा था तो इस माँ ने क्या किया कि वो नहीं कॉकरोचेस नकली बना के ना, मतलब लाइक क्या कहते हैं उसे ग्राफिक्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू उसकी तस्वीर पे उसने लगा दिए कॉकरोचेस 4-5। और जब बच्चा सो के उठा तो उसको दिखाई कहेंगे देखो तुम नहाते नहीं हो ना, ये देखो अभी आके मैंने कॉकरोचेस सारे हटाए तुम्हारे ऊपर पूरे जमा हुए। भाई उस बच्चे ने नहाना शुरू कर दिया। कितना अच्छा आइडिया वैसे। हाँ, मैंने कहा वाह, अब बच्चों की तरबियत बच्चों की परवरिश अलग तरीके की हो गई, वरना हमारी अम्माएं तो एक चीखती थी चीख लगाती थी हम डर के मारे भागते थे। तो बच्चे तो काबू में नहीं आते, कॉकरोचेस डर लगे ना कि चिपक जाएंगे, तो वो तो बस वो 10 दफा नहाने लगा दिन। पूरी स्टोरी मैंने पढ़ी थी इंस्टा पे, ये सही है, ये उनको गिफ्ट करना चाहिए जावे, ये अच्छा है। अच्छा तो तुम जावा लेकर घर वापस लेके, इतनी सारी बाजार ये भी यूज करते हैं और एक तुरई वाला भी होता है, देखा आपने तुरई, वो बड़ा अच्छा है, तुरई को सुखा वो अच्छा है, वो अच्छा है लेकिन वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं उसको जो उसकी फिलिंग होती है, इसलिए वो फिलिंग नहीं होती, वो खाली होता है तुरई की तुरई वाला, वो खाली होता है तो बहुत जल्दी पुश हो जाता है तुरई जैसे, उसी को आप दूसरे शेप में मिल जाते हैं, बेसिकली थोड़ा रफ हो ना तो आपकी डेट्स के निकलती है, स्क्रब का काम करता है। ये इस पे यहाँ से ये यहाँ से खोला और चार्जर इसका कहाँ था, ये इसके अंदर कहीं छुपा गया, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था। एक मिनट रुको, चार्ज करने के लिए ना, ये देखो ये है ना, ये चार्जर है, आपने मोबाइल की उस पर आपने उससे चार्ज किया और उसके बाद ये अच्छा खासा चार्ज है। अब आपने फल वाले से ही ताजे फल लिए, वहीं पे खड़े होके चलो भाई जूस पीना है, मूड हो रहा है, कोई जरूरत नहीं महंगे महंगे चीजें खरीदने की, वहीं पे खड़े खड़े। नहीं नहीं कितना अच्छा, ये हैंडी घर में भी रखो, बड़े बड़े घर में भी रखो, नहीं अक्सर लोग होते ना ऑफिस जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उसी के साथ ले गए, वही ना, अब आप सेब काट के ले जाओ या जूस काट के ले जाओ तो काला हो जाएगा। अब आपने वही पे देन एंड देयर आपने किचन में ऑफिस के किचन में चुरी से सेब काटा या जो भी ऐसी चीज है धर बन गया। मुझे जरूर मुझे लगता है आयशा उमर और एजाज असलम के बैक पैक में होगा, क्योंकि वो तो आटा भी लेकर आते हैं ना, पता है आप लोगों को, वो आटा भी लेकर आते हैं सेट पे। और आयशा तो खुद अपनी रोटी बनाती है किसी भी लोकेशन के, उस पे चोकर की रोटी, और वो हाँ दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर मील्स, तभी तो देखो ना फिट है माशाल्लाह। सो वो वाली इतनी डेडिकेशन हो ना तो बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा भाई। हाँ भाई आपकी बारी जी। मेरे पास ये ब्रश है, ये सफाई करते गाड़ी की सीट्स हो गई ना उसमें साइड पे कुछ फंस जाते हैं, जैसे इवन सोफाज में। हाँ सोफे तो इतने, ओ गुड यार निकालता है, ये भी मैं खरीद रही हूँ। और दूसरा ये जो देख लो ये साफ कर रहा है, ओ वेरी नाइस, जितने बाल बाल लगे थे ना गेस्ट्स के साथ, ये कपड़ों में भी कर सकते हैं, क्या मटेरियल है यार, कितनी अच्छी सिलिकॉन है, सिलिकॉन आजकल हर चीज सिलिकॉन में आ रही है। ये चीज सिलिकॉन है, एवरीथिंग इज सिलिकॉन, कितनी कितनी चीजें ना, तो हैंडी मतलब क्या जमाने में क्या क्या चीजें आ गई। ये जो ये है ना सोफों के नीचे, अक्सर आपके मोबाइल, मेरी तो उंगलियां टेढ़ी हो जाती है यहाँ डाल डाल के मोबाइल घुस जाते हैं, तो अब इससे पता तो चलेगा भाई। और दूसरा सफाई भी, सफाई मेन है, जो स्पेशली जो हमारी गाड़ी की सीट्स गंदी होती है, जगह की तरफ नहीं आ जाती। नहीं हमारे तो एक सोफा ऐसा था घर में, पता नहीं क्या था, जो मेहमान है ना यासिर के कमरा बना हुआ था एक ग्रीन रूम, उसका सोफा था, जो मेहमान है अंदर चला जाता था सोफे के, मोबाइल सोचो बेल दे रहे हैं तो मोबाइल सोफे के अंदर से
अगर कनेक्शन हो गई वो इतना मुश्किल उसके लिए तो बेस्ट है ना. बहुत ही देखो मेरे भी काफी अंदर तक हाथ चला गया सोफे की. ले जाओ ये तुम सर. देखो अंदर से सोफे से क्या क्या निकल रहा है. आदमी इसको इस तरह यूज नहीं करेंगे, वो खुजाने के लिए करेंगे, खुजू बना लेंगे वो उनको अपने मतलब पूरी सोफा. और ये देखना बाल भी कर लो. हाँ नहीं खारिज भी अच्छी होती है. मल्टी पर्पस है, आप चाहो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके. आगे आसानियां हो गई बड़ो भाई, हम फिर भी नहीं काम करते. हाँ चलो भाई. अच्छा तुम्हारा तौलिया बन गया? मेरा तौलिया बन रहा है, प्रोसेस में है मेरा तौलिया. आई थिंक बन गया, बन गया, बस बन चुका है. जोड़ लो क्योंकि हमें तो सुखाना होगा ना. बस ओ वाइब बन गई, वाइब बन गई. अपने हाथ ये एक और बहुत अच्छी चीज के लिए मैं सुबह सुबह बताऊं कि ना बताऊं? बता मुस्लिम शावर्स नहीं होते. ओह यस, ये गोलियां आप जैसे वो बॉल रख रही है उससे ज्यादा जरूरी है गोलियां. ये आप बाथरूम में ले जाएं, especially if you're traveling international. Yes, जहाँ पर पानी ना international Muslim showers तो ये एक नेमत की तरह आपके काम. ना वहाँ टिश्यू होते हैं ना, असल तो पानी नहीं. अभी टिश्यू होते तो टिश्यू कैसे भिगो के ले जाएं? टिश्यू तो फट जाएगा. टिश्यू तो होता है बेसिन बाहर होता है ना. बाहर से चाहे यहाँ से वहाँ भी बाथरूम. बात सुने ना, उसी उसी की कन्वीनियंस के लिए ये सुनो नाश्ता कर रहे हैं. वो मुझे लग रहा है अपना साथ लेके जाती हूँ. एक नई चीज भी आ गई अभी लेटेस्ट कि वो जो वो होता है ना क्या कहते हैं उसे, वो कनेक्ट हो जाता है मुस्लिम शावर. आप डिस्पोजेबल मुस्लिम शावर है. अच्छा, वो भी ले जा सकते हैं. वो क्यों नहीं लाई मैं, मेरे पास है नहीं, नहीं एक एक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है. अच्छा, किसी हार्डवेयर कंपनी ने वो उन्होंने ऐसा किया नल में फिक्स हो जाता है. वो नल में फिक्स हो जाता है तो फिर आप कभी होटल्स वगैरह में जाते हैं आपको प्रॉब्लम होती है कि वो वहाँ पे जाहिर है. आपके सामान की जगह अब आप गैजेट्स लेकर जाएं. खुल के बात करना चाह रहे हैं जो आपके सामने नहीं कर सकते, इसलिए हम ब्रेक पे जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे सेलिब्रिटीज इतने जबरदस्त गैजेट्स दिखा रहे हैं जो आपने जो आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा बाजार में ये भी मिलता है आपकी कन्वीनियंस के लिए. कि अगर आप सलीका शाह हैं, मुझे लगता है जो खवातीन सलीका शाह होती है वो अपने सारे पैसे इसी चीज़ में लग, ये मैट ले लूँ, ये चादर ले लूँ, ये पर्दे बना लूँ, वो सारी अपनी जमा पूंजी ना वो लॉन के जोड़े नहीं खरीदती. नहीं, वो ये सब चीज़ें चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं और उनको मज़ा आता है. गैस हम फ्रेंड्स एक दिन बात झाड़ू ले लो. अमीरा जो मेरी फ्रेंड है डिज़ाइनर, हम लोग बात करें, हमने कहा शादी से पहले हम सोच रहे थे अच्छा कौन से कपड़े लेने हैं, क्या जूते लेने हैं, मेकअप ले लें. हाँ. जब से शादी हुई है ना सब घर का सामान ले लो. हाँ. अब उसका बेबी हो गया तो वो बच्चे का सामान. मैंने कहा अब यही चलता रहेगा. यही होती है आपकी लाइफ बदलती रहती है. आपके बच्चे छोटे होते तो घर में बच्चों की हिसाब से उनको खिलाना कैसे, वो वाली बोतल ले लो जिसमें चमचा लगा हुआ है आगे, वो गैजेट्स. वैसे मैं मम्मा से भी कुछ दिनों पहले यही बात करी थी कि जब हम छोटे होते हैं हमारा इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता कि वॉलपेपर चेंज करवा लें या फ्रेम लगवा लें या यहाँ ये डेकोरेशन पीस होना चाहिए या अब पर्दे बदलवा लेते हैं. हाँ. लेकिन आई फील लाइक एज यू नो ग्रो अप तो उस पर ना आपका बड़ा फर्क आता है. डेकोरेशन में मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं ये चेंज कर लूँ वो चेंज कर लूँ. पहले तो कभी ध्यान ही नहीं जाता था इन चीजों पे. बिल्कुल ऐसे ही होता है. सो आपकी जिंदगी में आपके स्टेजेस आते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बढ़ती जाती हैं, बदलती जाती है जी. हाँ भाई तुम ओके. तो भाई ये एक बड़ी मजे की चीज है, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो हम काफ़ी सारे बैग्स हो जाते हैं. हाँ. और वो हमें हाथ में पकड़ते हैं, कभी ब्लड फ्लो रुक जाता है, हाथ नम हो जाता है. सो यू कैन पुट ऑल ऑफ इट टुगेदर इन दिस वन थिंग. सो देयर्स अ क्लिप, इट ओपन्स एंड देन यहाँ पर आप सारे हैंड बैग्स डाल दें, निकाल दें जो भी है, एंड देन आप इसको लॉक कर लें वापस एंड आप एक इसको ग्रिप करके पकड़ लें. ना क्या होता है कभी कभार आप शॉपिंग पे जाते हैं और आपका एक थैले का एक ग्रिप टूट जाती है, वो उससे चीजें गिर भी सकती हैं, पता ही नहीं चला आप इतनी भागदौड़ में हैं. Also, हमें तो यहाँ पाकिस्तान में तो फिर भी बहुत कन्वीनियंट है, मॉल गए बाहर आके गाड़ी में बैठ के, जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वहाँ शॉपिंग करते हैं और किलोमीटर्स हम चलते रहते हैं ना और इतने सारे बैग्स हाथ में होते हैं तो ये बहुत ही कन्वीनियंट सी चीज़ है. यू जस्ट हैव टू कीप दिस पार्ट इन योर बैग और समथिंग एंड देन आप उसे ले जाओ आराम से. मैंने तो अपनी शॉपिंग यहीं से पाकिस्तान से छोड़ी है. हाँ इजीली इजीली. अगर मैं थैले ना गिरते हैं एटलीस्ट ये लिया साइड में रख लिया. मैंने तो बहुत दफा बहुत जगह छोड़ी हुई अपनी शॉपिंग.
घर आके पता चलता था कि मेरा सामान ये भी चार थैले हैं आपके, तो एक हाथ तो कहीं भूल के आते हैं, यहाँ रखते ठहरो वहीं से अंदर निकल जाओ। थाईलैंड में तो वैसे बहुत हुआ है क्योंकि इतनी शॉपिंग करते थे और वो इसमें से जब घर आओ यूजुअली जो गिफ्ट्स होते थे वही गायब होते थे। अब घर वाले सोचते होंगे जान के गायब करा के आती है, लेकिन वो ऐसा ही होता था कि गिफ्ट्स है, अपना सामान है, वो गिर गया पता ही। मेरे तो मैं ड्यूटी फ्री पे छोड़ा ही सारा, जितने भी गिफ्ट्स लिए थे मैंने ड्यूटी फ्री से ही खरीदे। हाँ। और बच्चे को पकड़ाए कि चलो तुम गेट पे पहुंचना, मैं दूसरे लाउंज में बैठी थी, वो दूसरे लाउंज में बैठा था, वो साहब भूल के आ गए वहाँ, किसी की ऐश हो गई, पूरे खानदान वाले, अम्मी नहीं सॉरी अब्बू, बहनों के मियाँ, सबके गिफ्ट, यासिर के भाई, सबके परफ्यूम्स मैंने ड्यूटी फ्री से खरीदे थे। मेरा इतना नुकसान हुआ और मेरा बेटा छोड़ आया, वो वापस भागते हुए गया, गेट लेट हो रही थी, भागते हुए वापस गया तो थैला गायब हो चुका था, नहीं मिला मुझे। अच्छा मैं थाईलैंड से ना वो बैग भी देते हैं जैसे पहिए भी होते हैं, प्लास्टिक का, आराम से बड़ा हो जाता है, शॉपिंग करो और हर चीज में डम कर दिया और साथ घसीट घसीट के चलते रहो, बेस्ट है। मॉल पे वो ट्रॉली बैग, मैं तो मॉल में बिल्कुल उसका है, बिल्कुल प्लास्टिक की फोल्ड। मेरी टेक्निक क्या होती है, जब भी कहीं बाजार जाते हैं और मुझे पता है कि शॉपिंग करनी है तो छोटा हैंड कैरी नहीं, तो जिसमें फोर व्हील्स होते हैं, मैं वो ले जाती हूँ, जो कुछ सामान है वो पहले अंदर आ जाएगा, वो जिप पर बंद हो जाएगा, फिर जो थैले हैं एक्स्ट्रा जो बड़े बड़े वो जो उसके ऊपर वो हैंडल हैंड होता है उसके अंदर डालती रहती हूँ। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, इतना आसान होता है। और व्हील्स वो आपके हाथ ही था कि आप आउटलेट मॉल गए हैं, आप कहीं भी ऐसी जगह, जरूरी है कि आप जो है वो थैले कौन उठाए, नहीं अब आदमी तो पहले ही कट जाते हैं कि हमें थैले ना उठाने। और अच्छी खासी शॉपिंग होती है, मतलब बाहर जाओ उठा के आपका हैंड कैरी है वो इतना इन्वेस्ट करे ना हैंड कैरी पे करे की वो पहिए उसके चलने वाले, बेस्ट है वो भाई, होना चाहिए। हाँ जी आपकी बारी। अच्छा सबसे पहले पिघले, ये देखो पिघले क्या है, ये है टमाटो, टमाटर का पेस्ट बना लो। अब ये थैली है ठीक है, ये कितनी अच्छी है देखो तुम, कितनी हैंडी है, यहाँ से आपने इसमें ऑलरेडी खाने बने हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें, और यहाँ से एक जगह से ओपनिंग है, ये यहाँ से आपने आप ये क्यूब्स बन गई क्या जी, ये आपने बना ली, इसमें डाला खुद ब खुद अपने अपने क्यूब्स की शक्ल में आ गए, इसके अंदर सब में खाने बने हुए टोमेटो प्यूरी। देखिए ये कितना अच्छा आइडिया, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें भर सकते हैं, वो अलग अलग पोर्शंस में चला जाएगा जितना आपने एक हांडी में और काट लो, देखो अलग अलग जिसको काट लो, लेमन जूस की भी क्यूब्स डाल सकते हैं, लेमन जूस एनीथिंग, कितना अच्छा है, यखनी के क्यूब्स बना के डाल दें, अक्सर बच्चों की खिचड़ियों के लिए आपको चाहिए होता है एकदम यखनी बना के, आपने इसमें भर दिया जो पोर्शन चाहिए, आप क्या काटेंगे, क्या करेंगे, काट भी सकते, काटेंगे इसको आराम से, काटा मुझे एक क्यूब चाहिए, दो चाहिए, पूरी लाइन चाहिए, क्योंकि फिर आप जब चीजें निकालते हैं आपको पूरा जो है ना वो डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है और वो नुकसानदेह। अच्छा बनाए कितना अच्छा, ओपनिंग खाली यहीं से है, कंफर्म चाइना वाइना होगा, ये भी नहीं कि अलग अलग खाने में पूरा, बस यही ओपनिंग है इसकी, कन्वीनियंस की चीजें मुझे लगता है जापान में होती हैं। पूरा पैकेट है ये, चाइना जापान एंड कोरिया, बहुत ज्यादा कह रहे थे पैकेट है, मतलब पैकेट में 100 थैली लिया है सुनने में। हां अच्छा खासा ओडी यार, कितनी करामत चीज है। अच्छा जगह भी नहीं है ना, डिब्बे में रखो आराम से, एक के ऊपर एक थैली रखो, कितना अच्छा है। नहीं सबसे अच्छी बात ये कि आपका पोर्शन वही कटेगा जितना आपको चाहिए, आपको चार क्यूब्स चाहिए, आपको तीन एक चाहिए, तो अदरक लहसुन फ्रीजर में ज्यादा बन जाता है, पीस के रख दो, लेमन के सस्ते मिले सुबह में, एलोवेरा और लेमन इसका भी हम क्यूज बना सकते हैं स्किन केयर के लिए। ये देखो ये कितना अच्छा आइडिया बता रही है ना, वो अक्सर हम कहते हैं ना कि वो एलोवेरा और लेमन को मिक्स करें, उसके क्यूब्स बनाए, सुबह उठे सबसे पहले मेकअप करने से पहले ठंडा ये क्यूब लगा लें। और ये कह रही है ना जिस सबके वो सबके लिए अच्छा है,
मैंने देखा था एक वीडियो के अंदर कि जापान था कि क्या था वहाँ पर जो जैसे बर्गर्स या सैंडविचेस दे रहे हैं तो उसके साथ हमें सॉसेस देते हैं, तो उनका ना वो जैसे हमारे बटर्स होटल में बटर मिलते हैं उस तरह के पैक के अंदर ना उनके मस्टर्ड और केचप दोनों साथ होता है, यू जस्ट स्नैप इट और वो दोनों एक साथ निकलते हैं, जस्ट थ्रो इट अवे, ना आपके हाथ गंदे, ना उसे यूँ खोलना, ना वो कपड़ों पर गिरेगा, मतलब छोटी छोटी चीजों में भी कितनी कन्वीनियंस है इंसानों के लिए। वो हम तो खैर ये जापानीज और चाइनीज इनका दिमाग बड़ा चलता है, स्पेशली हाउस होल्ड और गैजेट्स और इन चीजों में बहुत चलता है। मैंने तो वो देखी थी अभी फोन के अंदर जैसे हम पिक्चर लेते हैं तो उसके लिए आई थिंक अब तो यहाँ भी आ गया कि वो एक स्टैंड सा है और उसमें लाइट है, स्टूडियो लाइट है, एंड देन वो मुझे मुझे भी आया। कहाँ से ली थी आपने? मैंने वहाँ से ली थी, उसके अंदर ये वाली लाइट मोबाइल के ऊपर आप वो चुटकी लगा दो और उसके ऊपर लाइट है, अब आपने अपनी सेल्फी खींचती है और अंधेरा है और ये वो, तो वो उस लाइट और वो भी चार्जेबल थी लाइट। कहाँ मिलती है? मुझे किसी ने अभी पीआर भेजा है, वो एक पिक्चर फ्रेम है और आप उसके अंदर बेशक तस्वीरें चेंज करते रहे और उसके अंदर लाइट ऑन हो जाती है, वो वैसे बंद होगा तो मिरर होगा और अगर आप लाइट ऑन कर देंगे तो वो पिक्चर होगी, तो आप उसमें पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल्फी में देखी थी उसके अंदर भी लाइट, ऑनलाइन कुछ चीजें बहुत अच्छी है लेकिन ऑनलाइन से लड़ाई होगी, पिक्चर चेंज फ्रेम नहीं जाएगा। अच्छा तुम्हारी बारी से। हाँ मेरी बारी, मेरे पास ये कुछ लोग होते हैं ना जिनको टिकिया बनानी नहीं आती। हाँ आज मिस ना सिखाएंगी टिकिया बनानी, तो बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। हाँ वैसे तो हम सलीके से बनाते हैं लेकिन जाहिर है नहीं, क्या मुझे समझ नहीं आ रही टिकिया भाई, वो होती है ना शामी कबाब आलू के कबाब की टिकिया जो होती है। अच्छा ये टोकरा हटाना पड़ेगा, तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि कैसे करूँगी, क्या बात कर रही है। तो वैसे तो हाथ पे बहुत देर तक बनाते हैं ना हम लोग। हाँ और गोल नहीं बनता, मोटा बन जाता है कहीं से, तो ये अंबर जैसे नफीस लोगों के लिए है कि आप इसको ऐसे करें। हाँ मैं तो हाथ से अच्छी बना लूं मैं भी, और फिर इसको आप बचा ये, सकते हैं। ये गैजेट्स हमें काम चोर बना रहे हैं। हाँ मगर अच्छा सहूलत, आई डोंट माइंड, और इसको लॉक के ओ गुड वेरी नाइस, ये तो बाजार जैसी मशीन जैसे शामी कबाब, दिखाओ सही से दिखाओ जरा आलू की ऐसे नीचे करो, यस जरा फ्रेम भी तो सही उसे हिसाब से बना लो मेरे भाई, करें यार मैंने बनाई है यार, ये देखें ना, यस हां ओके देखें आपका शामी कबाब, कितना राउंड यार, कितना सलीका है, वेरी जादू है मिस, आज ढाका डालने वाली हूं मैं ये बड़े मजे की चीज है वैसे, है ना। कितने देखो इंटरेस्टिंग, हम देखें गैजेट्स कितने मजे के इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है डोनट मुझे, तो अपना शो करके खुद मजा आ रहा है। हां वाकई मैं खुद देख रही हूं, इंटरेस्टिंग। हां बहुत मजे की चीज है, अब समझ नहीं आ रहा कि इसको ऑर्डर कैसे करेंगे, क्या कहेंगे इसको, आप यही वाला ले जाइएगा आपको ही तो शो है। अच्छा ओ भाई वो लोग जो ऑनलाइन वगैरह जिनको नहीं समझ आती, बोल्टन मार्केट में मिलती हैं ये चीजें, ये मैं लाई हूं बहुत सारी चीजें वहां से, पहले बोल्टन मार्केट में चाइना में गुल प्लाजा से भी मिलता है बहुत आसानी, गुल प्लाजा में भी बोल्टन में सस्ता है, गुल प्लाजा में थोड़ा महंगा है, बोल्टन में सस्ता, मैं धोखा फेंक के गई थी बोल्टन मार्केट, तुम्हारा अपना शो है जो दिल करे जो दिल चाहे, मुझे था कि यहाँ से घर मुझे अब जाना है अपने व्लॉग के लिए, हाँ पहले मैं गई थी तो अब मैं जाऊंगी ना, मगर कोई बात नहीं, मतलब नई नई चीजें और कितनी चीजें और मिल जाएंगी, एक व्लॉग करना चाहिए वैसे संडे बाजार, हाँ वहाँ पे वो, हाँ वहाँ पे भी। अच्छा आप बताओ तुम, मदिया जाऊंगी वो भी मैं, वाटर कूलर आपका हुआ ये कितना क्यूट है, कितना क्यूट, सो ये है, ये दिखाओ स्टैंड के ऊपर से उठाओ, पोर्टेबल वाटर कूलर कितना, यार देखो ये स्टैंड है, आप ले जाओ उम्रे पे, नहा भी सकते हैं आप, जमजम भर के कमरे में रखो, सब बताएगी नदा ही बता दे नदा का ही है ना, और क्या ये देखो इतना सा इतनी सी चीज है, नदा से चोरी किया मैं, और जब इसमें ये भर लेती है सो बेसिकली तुमसे नहीं खुले जाओ यार, आदमी की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं नहीं खुल जाना चाहिए। अच्छा बड़ा ये बड़ा होके ऐसे हो जाता है, तस्वीर दिखाओ, नाखून टूट जाएंगे, आदमी खोलेगा भाई, दो लोग चाहिए नहीं, एनीवेज आपको ये नजर आ रहा है तरीका हो गया, ये नदा का है ना तो ये मान नहीं रहा है, खेचो ना यार, बता रही ना मैं, हो गया हो गया, इससे ज्यादा अरे वाह।
और नहाने के लिए पटरा भी है उसके ऊपर आप छोटा सा कुशन रखें। ये देखिए चीजें भर के आप इसके अंदर पानी डाल ले, आप इसके अंदर जूस डाल ले, मोहितो बना ले, लेकिन दो लोगों की मदद से खुलेगा ये। अच्छा वैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, आई थिंक दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ग्लास का नहीं है और टूटने का भी डर नहीं है, टूटने का खतरा नहीं है। और आप कुछ भी जूस बना लें बच्चों के लिए और ये सब कुछ बड़ों के लिए मोहितो है, बच्चे अगर गार्डन में खेल रहे हैं तो इसमें आपने जूस पानी रानी बना के रख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो, पर बस कोई वो सही है, मगर ये बड़ी मजे की चीज है, चलेगा कोई एक महीने तो चलेगा। मुझे लगता है दो लोग मिलके इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत क्लियरली मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये आप उम्र के लिए बेस्ट है, आबे जमजम भरे और आप लाके कमरे में रख दे, जितने दिन वहाँ है वो पीते रहे, एक ही होता है, ये ज्यादा ड्यूरेबल है भी नहीं, इसकी ये चीज जो है ना ये जल्दी टूट भी जाती है। मैंने बहुत ऐसी बहुत सारी महंगी नहीं है, सस्ती होती है, फिर सस्ती होती है तो मैंने बहुत सारी नहीं होती है, 100 हर दफा तोड़ी है, लेकिन 700 रुपए का ही आई गेस, 700 इसका ना ये टैप टूट जाता है सबसे पहले, 700 का यार क्या बुरा है यार, महंगे वाला मेरे पास तो कांच का स्टैंड के साथ मेसन जार नहीं, उसका भी टैप मगर मिल जाता है, फिर मैंने रिप्लेस करवाया मेसन जार का भी, हाँ स्टील का भी, फिर मैंने ऑलरेडी रेड कलर का प्लास्टिक के मिलते हैं वो उसमें अटैच हो जाता है। आओ तुम बताओ। अच्छा ये प्लास्टिक का क्यूट सा पाउच है, इसमें जैसे अगर आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में जो या शूटिंग के लिए सामान पैक कर रहे हैं, तो मैं तो चप्पलें खुली नहीं छोड़ना चाहती, वो मिट्टी शिट्टी सारा कपड़ों के साथ भी करते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो चप्पल अजीब लगती है खुली हुई, सबको टकरा रही है कपड़ों को, तो ये मुझे लगता है ये बड़ा कन्वीनियंट सा है, इसके अंदर आप अपनी चप्पल डाल ले, मैं तो कहती हूँ अगर कोई कैसा पाउच है क्या मटेरियल, अगर कोई आपका प्लास्टिक वेरी और ये तो चलने वाला है ना, क्यूट है, घर पे भी इवन आप घर पे जूते में मट्टी पड़ती है और वो होता है ना कि आपका कोई फेवरेट लिपस्टिक है या परफ्यूम है वो टूट गया है, उसका ढक्कन टूट गया, लीक हो रहा है, उसको भी इसमें डाल सकते हैं ताकि बाकी कपड़ों में ना, या ट्रैवलिंग है शैम्पू वगैरह ये क्या अलग अलग पैकेट्स मिलते हैं या कोई इसमें एक साथ होती है, या स्किन केयर की चीजें बहुत क्यूट है, घर के स्पेशली कबर्ड्स में रखने के लिए जूते हैं, आप आराम से देख के निकाल रहे हो, तो बड़े पसंद आए, हां और मटेरियल भी ऐसा है कि खराब नहीं होगा, बेहतरीन ये बड़ी अच्छी चीज है, ये क्या है ग्रीन टी, ये पानी मैंने इसके अंदर, ये देखो ग्रीन टी बन गई, ये आपने इसके अंदर वो डाल दिया लेमन ग्रास, लेमन ग्रास डाल दो, ग्रीन टी के वो जो लीव्स डाल दो ताकि छानना नहीं पड़े, छन्नी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टी बैग्स आते हैं आपको क्या पता उसके अंदर क्या भरा हुआ है, हाँ नहीं बाज होती है लूज मिलती है हर्बल टी जो होती है ना डाइटिंग वाली स्लिमिंग की फ्लेवर्स वाली, तो ये उसके लिए जैसे मेरे पास है घर पे बहुत सारी डिफरेंट ना, तो ये मैंने इसके लिए रखा था कि बार बार छानो, ये क्या किस मटेरियल का बना हुआ है, ये रबर सिलिकॉन है, कितना क्यूट, सिलिकॉन का है और आपने कोई भी हर्ब्स डाले, गरम पानी मंगाया उसके अंदर ढक बस फौरन डाल दिया, वेरी नाइस, छोटी छोटी चीजें हैं करामत, और कुछ भी नहीं बाद में इसको साफ कर लो, हाँ धो के साफ किया फिर वेरी गुड, मैं वो चाहिए मुझे वाइप, बिल्कुल वाइप दो, ये ले पानी भी दो, तौलिया ये पे यहां पे पड़ा है, एक और चीज भी हैंग हुई हुई आगे, हां आप याद रखना, हां हां मैं भूलना जा रहा हूं, वाइप योर हैंड्स विद दिस, अच्छा भाई आगे बताओ, अच्छा मेरे पास ये है, देखा काम आ गया ना, करो ना देखा, अगर आप सुन नहीं रही हैं तुम करो ना, लेकर सॉरी सॉरी कहती हूं मेरा सुन नहीं रही, इसको आप बहुत आराम से वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं और इसका फायदा ये है कि आपको अपने कॉलर्स पे कफ पे ब्रश करना पड़ेगा या खुद ही साफ कर देगा स्पेशल, वॉशिंग मशीन में डालेंगी आप तो आपको अपने जो कॉलर और कफ ये कोई खुशबू नहीं है, खुशबू ये घिसाई करेगा खुद ही घिस, समझे मासी वॉशिंग मशीन से आप देखते थे गाँवों गोटो में डंडा मार रहे हैं कपड़ों के ऊपर, वॉशिंग मशीन में ये जहाँ पे आपके दाग धब्बे होंगे आप ले जाइएगा, एक आध से सिर्फ ये एक
प्रॉब्लम है, एक सवाल है, इसको कैसे पता चलेगा दाग किधर है? नहीं, ये सबके दाग हटाएगा, एक कॉलर की नहीं, पूरी सफाई करेगा, पूरी सफाई करे, भरपूर सफाई करे। और अगर किसी कपड़ों में काम वाम है उसमें तो मोती में अटक जाए, कपड़ा फट जाए, लेकिन तो काम वाले कपड़े वॉशिंग मशीन में तो क्यों धोने वाले? अच्छा, ऐसे ही बात कर सकती हो रहमा? मैंने अभी बताया कॉलर और कफ किसके खराब होते हैं। मेरा सवाल जेन्युइन है मिर्ज़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा सफाई कैसे हो रही है, मैं देख रही हूं भरपूर सफाई करेगा मेरा। अच्छा देखो, हां भरपूर सफाई करेगा उसका दवा ऐसे जो दाग कॉलर पे लगा इसको पता कैसे चलेगा? मुझे बताया, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, धुल के पूरा साफ निकलता है ना शर्ट, वॉशिंग मशीन को कैसे पता चलता है दाग कहां? बात कॉलर की नहीं है, बात कॉलर की नहीं, पूरे कपड़े से यूं बेसिकली अपना बाल से ही धो लीजिएगा, ले जाएं खुदा के वास्ते एक कैमरा वॉशिंग मशीन में अंदर डालें और दिखाएं कि ये कैसे निकालता है, ये पूरे ऐसे ही देखो ना, ये रही हूं यूं ऐसे ही घूम रहा है कपड़े, सफाई हो रही है ना, देख रही हैं ये देखो डंडा है ना, डंडे की जगह ये जब तक अंबर अपनी सफाई कर रहा है, वाह अंबर वाह, हम एक ब्रेक पे जा रहे क्योंकि आज इनको हर चीज अपने ऊपर आजमानी है। तमाशा के बाद क्या हो गया इनको मुझे समझ नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत घरेलू बातें हो रही हैं, किचन की सफाई, इंतहाई घरेलू बातें हो रही हैं कि हम आपको बता किसकी बारी है? बता सकते हैं, बता सकते हैं, हम कह रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं पर्सनली वाइल्ड कार्ड एंट्री दें अंबर को, क्योंकि अंबर हिला देंगी, अंबर तमाशा टू से वापस नहीं है, मैं अंबर आ गई है, अंबर इज मेंटली स्टिल देयर, अंबर वाले सुन रहे हैं हमारी बात तो ये फिजिकली यहाँ पे मेंटली, मुझे अगर पता था ना कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ, दो बड़ी मदिया की तो नहीं है, मदिया की बारी होती है फिर मिज़ना पे जाते हैं, भूल जाती है मिज़ना के बाद मैं आती हूँ, मिज़ना अभी मिज़ना नहीं, तुमने कूलर दिखाया था फिर ये गाय सारे देखो ये क्या है, ये बता तो दो। सो बेसिकली बीटर है, ठीक है, यूजुअली तो फूड फैक्ट्री और इनके साथ आ रहा होता है, अच्छा है ये, तो आप फेस मास्क बनाते हैं, खाने पीने में भी बीटर इस्तेमाल होता है, दही फेंटने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये देखिए ऐसे आपको इसको वायरलेस है ऑब्वियसली, और स्ट्रेस भी रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक है ये भी, ये भी वायरलेस है, ये वायरलेस है, मतलब क्या इसमें क्या चार्ज है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, ये मैनुअल है, ये हां मैनुअल है, नो बैटरी नो, जैसे वो टॉयज नहीं आते थे कुछ पुल करो या पुश करो तो वो मोटर घूम जाती थी वैसा है, गाड़ी को पीछे घसीटते तो आगे भी चलती थोड़ी देर के लिए, वही है के लिए ना, मतलब अंडा फेंक लो, बहुत अच्छा, मैं यहां थक गई हूं, अब निदा थोड़ी देर, अब आप मैं दही फेंकने, अब आप दही फेंकने, देखें हम थक गए, अब देखें इसके बाद आपको मेरी तौलिया की जरूरत है, हैंड एक्सरसाइज जब यूजुअली हम वैक्सिंग करवाते हैं या रेजर करते हैं तो आपके लेग्स पे वो स्ट्रॉबेरी लेग्स टाइप हो जाता है, गंदा लगता है, जब आप नहा रहे हैं तो आपने शावर जेल लगाया है, दिस इज एन एक्सफोलिएटर, तो आप इसको रब कर सकते हैं और इससे बकायदा हाथ हिला हो या कुछ हो तो पता चलता है आपकी डेड स्किन निकलती है, और ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, तो आप वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप इसको आराम से बैठ के फुल बॉडी स्क्रब कर सकते हैं, सो दैट्स गुड। एंड ऑल्सो मुझे इसका भी बताना है, ये मेरे पास घर पे भी है, इट्स अ स्कैल्प मसाजर सॉर्ट ऑफ थिंग, तो अगर आप इसमें वो करें ना
इसमें ये मेटल बॉल्स लगे हुए हैं जो रोटेट होते हैं। अच्छा। तो जब आपने बालों में तेल लगाया या कुछ लगाया तो हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इट्स वेरी गुड, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही आपकी हेयर ग्रोथ होती है। इनफैक्ट मैं अपना जो कंघा करती हूँ तेल लगाने के बाद, तो मैं अपना सर सर नीचे करके करती हूँ ताकि ब्लड फ्लो, जैसे नमाज पढ़ते हुए भी कहते हैं ना सजदा करते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो, हर चीज ही उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। So this is for that. So these two things are very, very nice. Very nice. नहीं चीज़ हम परेशानी है क्या ले क्या ले क्या। अच्छी चीजें इतनी महंगी नहीं होती। हाँ ये बहुत affordable है। बिल्कुल। बस ये चीजें जब चाहिए होती है ना मिलती नहीं। मिलती नहीं है। जैसे भी आपका पावर बैंक नहीं मिल रहा। जैसे आपका पावर बैंक नहीं मिल रहा। हाँ। एक दराज बना लो बस आराम से। कितने दराजे बनाए जब आके तो देखो कुछ नहीं मिलता, इसलिए आप हाथ से ही कर ले। यही मैं कह रही हूँ, हाथ से कीजिएगा, कौन इस झंझट में फिर आपको इसे साफ करना होगा कि ऑयल लग गया। बिल्कुल अंबर बस। चलो भाई अंबर तुम्हारी बारी। अच्छा देखो ये बहुत मजेदार चीज है क्योंकि इसको जो है ना पहले ये शार्पनर की तरह है। हाँ नहीं मगर पहले आप इससे पील करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ये आपने ये पीलर एज अ पीलर, और फिर आप सैलड डेकोरेशन हो बाज आपको तो ये शार्पनर, कितना बड़ा शार्पनर। शार्पनर दिखा रहे हैं, दिख गया ये देखिए ये शार्पनर। अब इसके अंदर ये देखिए ये वो फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर्स डिफरेंट शेप आराम। अच्छा वो पूरा इस तरह कट के आएगी। ये देखो सैलड डेकोरेशन या कोई भी वैसे भी ना कबाब के प्लेटर है। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ये हाँ वेरी नाइस, अच्छा गैजेट है ये आप कुछ भी फ्लावर बना के डेकोरेशन के लिए। हाँ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट सजाने के लिए। खीरा ले लो खीरे के साथ, तो डिफरेंट शेप्स, वेरी कलरफुल है ये। क्या क्या चीजें मार्केट में आ गई डिफरेंट ये और एक ये चीज बड़ी मजेदार है ना, ये देखो ये क्या है गैस करो। ये कान में कुछ लगाने का? नहीं नहीं लग रहा है ना, चश्मे साफ करने है? और ये जो है ना बहुत अच्छा है, ये बहुत कान की चीज, हालांकि स्पंज लगा हुआ है। नहीं इट्स हार्ड, इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स हार्ड। और ये आपने आराम से जो है ना अपने ये डाला ना। अच्छा वैसे ये होते नहीं है ना एक साथ इस तरीके से करते, और साथ में दुपट्टे पकड़ पकड़ के आपकी कमीजें पकड़ पकड़ के सब चश्मे साफ कर रहे होते हैं। ये देखिए और इसके लिए कपड़ा भी वो चाहिए होता है, ये स्पेशल इसमें ये, और बिल्कुल साफ हो रहे हैं ये। मेकअप कितना लग जाता है यहाँ हमारा, मेकअप लग जाता है। मैं तो ग्लासेस वैसे नजर के लिए लगाती हूँ, इतनी प्रॉब्लम होती है जो दूसरा देखने वाला, तो धब्बे तो साफ करो नहीं था तो मैं नजर कैसे आ रही हूँ। जब साफ करो मैं तो जाके नल के नीचे रख देती हूँ। हाँ मैं तो नल के नीचे रख देती हूँ। मजे की बात है सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब मैं भी हैरान थी कि ऐसे कैसे, और बहुत अच्छा सफाई होती है। वेरी नाइस और हैंडी, वेरी नाइस, आराम से डाल दो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये। मैंने ना एक ऑनलाइन चीज मंगाई थी, उसमें था कि चश्मे उसके अंदर रख दें तो इस तरह साफ हो जाएंगे बैक्टीरिया से फलाना डमाका। अब जो ऑनलाइन आती है तो एक डब्बा है, उसके अंदर आप पानी और शैम्पू डाल के रख दें डुबा के, तो मैंने कहा ये तो मैं बाल्टी में भी रख सकती थी। अरे मेरे पास एक बहुत मजे की चीज है, मेरा पर्स लेकर आए, पर्स लेकर आए इनका भाई, क्या है वो मेरे पास ना एक इतनी छोटी सी, वो एक्चुअली मेरे पर्स के अंदर है एक छोटी सी ना लेंस का केस है, तो जब आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं उसके अंदर उसका वो भी है। हाँ, वो मेरे पास भी है, वो जो उससे पिक करने के लिए स्टिक है और आंखों में लगाने के लिए भी है, उसके अंदर मिरर भी है, मिरर भी है मेरे पास भी। अच्छा मैंने नहीं इस्तेमाल किया, मैंने भी नहीं किया, मेरे पास तो रखा है। बल्कि दो थे, मैंने कहा छोड़ो इतनी अभी तमाशा जाने से पहले मैंने सारी पैकिंग करते करते कबर्ड साफ की, दराजे साफ की। सामान होता है मेरे बैग में, ये एक छोटा सा दिखाओ मैम, खोल दे। इसमें मिरर भी है और ये भी है, मिरर बहुत गंदा हो गया। हाँ, ये है ना। अच्छा मेरे पास इससे डबल है, चौड़ा है, उसके अंदर वो होल्डर भी है लेंस को पकड़ने का। हाँ, ये है ना इसमें छोटा छोटा, ये छोटा सा, और ये वाला भी है, और ये क्या है, ये भी वो होल्डर पकड़ने का और लेंस लगाने के लिए, जिनको नहीं आता ना, हम मैं तो चलती गाड़ी में लगा लेती हूँ, ठक 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 करके लगा। अच्छा लेकिन मुझे होता है कि अगर मैं लगाए मैं ना, जैसे अभी मैं गाड़ी में बैठ के इसको उतार दूंगी तो आई हैव टू कीप इट, बिकॉज मैं पूरा दिन लगा कर नहीं रख सकती, तो मुझे फौरन होता है कि मैं लेंस निकाल के रख दूँ, छोटा सा है बैग में आ जाता है, तो दिस इज आल्सो वेरी गुड। तो तुम ये यूज करती हो लगाने के लिए? वो नहीं, ये मैं हाथों से ही करती हूं, ये तो मैं नहीं करती। वो है इसके लिए जो लोग डरते हैं जिनको हाथ नहीं लगाना, नेल्स बड़े तो आंख में लग जाए, मैं भी डर रही थी कि भाई कोई और चीज मैं कैसे आंख में लगा लूं।
हाँ भाई क्या है आप, आपने बताया अभी ये, हाँ, तुम्हारे मिज्जा तुम्हारी बारी, तीसरा भी देख। अच्छा वो जूता दिखा रही है, क्या है? देखो ये हैंगर, ये कितना अच्छा है। आप टेनिस शूज या कोई भी जूते तो आप धोते हैं, धोने के बाद उनकी शेप खराब ना हो, और हम यूं रख देते हैं अमूमन ना दीवार से टेक लगा के, ये आप हैंग कर दो तो सारा पानी भी नीचे, वो रस्सी पे हैंग कर दो ना सुखाने के लिए, और शेप खराब नहीं हो रही बेसिकली इसकी, अंदर इसके अंदर जो दिया है ना ये देखो ये ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे क्या आपकी शेप खराब नहीं हो रही। अच्छा डिफरेंट हैंगर है, रस्सी पे लटकाने के लिए, आप जूतों को तो लटका नहीं सकते, वो सही कह रही है कि जो नरम होते हैं शूज वो आप कहीं भी रखते हो टेढ़े मेढ़े अजीब से हो जाते हैं। यस वेरी नाइस, लिया कर दिया, सुखा दिया, बेहतरीन। चलो मिज़ना तुम्हारी बारी। देखो नहीं भूली मैं इसको, परेशानी थी पर भूल नहीं जाना, उल्टे जूते लगाए ना आपने मुझे परेशानी, पता है कोई बात नहीं बस दिखा दिया ना। ये क्या है? ये पेयर ऑफ टंग आया था कबाब, ये इसलिए कबाब वगैरह या कोई छोटी चीज आपको पलटनी हो बनानी हो कुछ करना हो तो उसके लिए, क्योंकि पैनकेक्स भी कर सकते हैं वो टूट जाते हैं खराब हो जाते हैं, पैनकेक्स सॉफ्ट होते हैं आपके वो भी खराब हो जाते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज्यादा खुश नहीं हुई है मेरी चीज देख के? मुझे हां मैंने कहा ये क्या है, बड़ा चिमटा, इससे मुझे तमाशा याद आ गया, इसी से पलटते थे रोटियां पराठे। छोड़ क्या आऊंगी मैं बता रही हूं। अच्छा ये हैंगर है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ छोटी चीजें हैंग करनी है, बच्चों के कपड़े, ये अपने मियां और बच्चे दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं इस हैंगर को, इसका बड़ा ये आहिल के लिए, हाँ, और ये आहिल के बाप के लिए, आहिल के पापा। अच्छा दिस इज क्यूट, आई लाइक इट, है ना? तमाशा में नहीं मिला ना ये ये नहीं था, अरे बहुत अच्छा, कोई चीज दिखाओ ना, ट्रैवलिंग के लिए भी ले जा सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है, उम्र के साथ साथ आपके दांतों में काफी गैप आता रहता है, आता है ना, तो ये क्या है? फिलहाल करने के लिए ये टूथपिक केस है, आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं ऐसे। ये तो भाई मुझे दे दो, मेरे मियाँ को तो सांस भी ले तो टूथपिक चाहिए, इसमें टूथपिक नहीं है लेकिन वो तो हम डाल लेंगे, और क्योंकि जब भी उसको निकाल के देते पूरा डब्बा से वो निकल ही जाता है। चलो अभी जमा हो रही चीजें, टूथपिक ये खुद ही निकलेगा ऊपर से करके, क्योंकि इतना आप टूथपिक मांगो तो जो आपकी मेज होती है वो हाथ ये ले बाजी, हाँ, अरे भाई तुमने हाथ क्यों लगाया, हाँ, तो ये बड़ा अच्छा है कि ऊपर आ जाएगा टूथपिक खुद ही निकाल लो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो ये सैटिस्फाई के लिए था, तो फिलहाल करने के लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, यहां से मैंने इसको क्या हो गया, मैं दान इसको क्यों कहूंगी, ये लो टूथपिक। जिस तरह अंबर ने दिखाया पीलर ना, इसके अंदर तीन स्टाइल्स हैं पीलर के, फ्लाइंग सॉसर, फ्लाइंग सॉसर नहीं पीलर है वो उसकी है, सो आप ये देखिए एक अलग तरीके से पील होगा, तरह पील हो रहा है फिर वो शेप्स चेंज हो जाएंगे, देखना तुम्हारा हाथ ही ना पील हो जाए। वैसे देखो ये अच्छा है, थोड़ी सैलेड बनानी हो देखो कितना अच्छा है, मतलब कद्दूकश बेसिकली होके निकलेगा सैलेड में, लेकिन अलग अलग शेप्स के साथ। दिस इज नॉट अ पीलर, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कद्दूकश। नो ये कद्दूकश है, ये कद्दूकश है, ये पीलर है, हाँ ये स्लाइसर। एक और चीज कोई दिखाओ। अच्छा ये क्या है, पिंक पिंक पानी का कैन उठाने के लिए, हाँ ये नहीं वो मैं बाद में दिखाती हूँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये है आपके जो आप हील्स पहनते हैं ना वो चेफिंग होती है पीछे स्किन के साथ, रगड़ता जूते के साथ, जूते के साथ रब होता है ये, दिखा तो ये पूरा खून खून हो जाता है, ये है ना जूता, ये ठीक है। अब ये यहाँ पे काटता है, जूता काटता है बेसिकली, बहुत बुरी तरह काटता है और चला भी नहीं जाता। सनी प्लस लगाती मैं तो, लेकिन तो सनी प्लस से बेहतर ये है, ये है ना, ये अब खोला और आगे देखो इसके वो भी है फोम लगी हुई है। ओके दिस इज सो मच बेटर। अब ये देखो, अब ये देखो ये है ना जूता, ये चिपकाया, अब ये मैंने इधर चिपकाया, इधर चिपकाया अपने हिसाब से ना, जहाँ से मुझे काटता है, और अब जब मैं पहनूंगी साइड्स पे भी लगा सकते हैं अगर आपको साइड से काट, कहीं जहाँ भी काट रहे हैं, शेप तो बेसिकली है, अलग अलग शेप्स के मिलते हैं। अब मेरे पास ये है सेम, अलग प्लास्टिक अलग शेप होगा, सिलिकॉन में। अच्छा ये सिलिकॉन में,
सो ये लगाया, अब ये जो पीछे वाली चीज आपको काटती है और आपके नहीं, मेरे तो अक्सर जूतों की वजह से वो हो जाता है एक जख्म सा और निशान उसका नहीं जाता, नहीं जाता, इतना गंदा लगता है। तो वो लगाया और फोम है, ये एक ही जूते में लगा के छोड़ दो, दोबारा नहीं है यूज होता। ये क्या, ये है किस लिए? ये वही है, मैं तो पहले वहाँ, मेरे पास वो भी है छोटे वाले, यहाँ पे अमेरिका है ना, यहाँ पे साइड पे जो लगाते है ना, ये वही है, ये वही चीज है। ये देखो मक, ये लेकिन सिलिकॉन में, सिलिकॉन ये आपने लगाया, यही ना, ये सब ये वही सिलिकॉन में, ये फोम, ये फोम में तो, और स्पेशली से ऊंचा लगाओ ताकि ये चुपता है। मुझे तो अच्छा पता है, ऐसी भी चीजें आती हैं, मैंने देखी है, सिलिकॉन मिलता है ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जो आप जूतों के अंदर रख लो, आपकी हाइट बढ़ जाए, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए वो होता है, वो भी है, वो भी सिलिकॉन के इसमें मोटे भी हैं यहां रखने के, हां वो भी पहनी हूं, आपकी हाइट जैसे आप कोई भी हील पहनी, आपकी हाइट हाइट के लिए भी होता है, दूसरा क्योंकि हील नीचे से सॉलिड वो होता है ना, तो आपके टोज में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और हम तो औरतें तो हील्स पहन लेती हैं, लेकिन मर्दों के कद छोटे होते हैं ना, तो वो तो ये हील्स नहीं पहन सकते। उनके भी जॉगर्स में कितनी सारी चीजें आ गई हैं, मैं तो देख कर हैरान, के लिए वही तो बता रही हूँ, सिलिकॉन का उनके जॉगर्स के लिए हील्स आ गई है, बिल्कुल वो अंदर आप जॉगर्स में रख ले, लेकिन आपकी हाइट इंच पता नहीं चलता, क्योंकि मर्द नहीं अच्छा लगता ना वो हील पहने। नहीं, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दिखाना है, छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब किसकी बारी है? हाँ, रहमा की बारी है, और मजे मजे की चीजें हमने आज आपको दिखाई हैं। तो जो एक बड़ी मैं क्यूट सी चीज दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे मेरा भाई है, उसको पता नहीं क्या एक ये मसला है कि जब उसने अंडा बनाना है ना, तो कहते हैं हट जाओ मैं खुद बनाऊंगा। वो एक चीज़ है, वो खुद बनाता है, उसको ना बड़ा वेल प्रेजेंटेड इन शेप अंडा चाहिए होता है। जैसे मेरे बाबा कहते हैं क्या बात हो गई, पेट में जाके सब एक जैसा ही हो जाता है क्या इतना वो क्या, बट उसको होता है। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू अहमद, इसमें आप ये शेप है पैन के अंदर डालें, इसके अंदर अंडा तोड़ दें और ये बिल्कुल गोल सा बनकर निकल के आ जाएगा। शेप के हिसाब से, शेप के हिसाब से इस तरह का स्टार शेप भी मिलता है। अच्छा, हार्ट शेप भी मिलता है। अच्छा, ऑल्सो ऐसा भी, ये एक बड़ी आसानी वाली चीज है घर की खवातीन के लिए, कि हम स्पंज लेते हैं, वो ड्राई हो जाता है, फिर उसको बार बार डालते रहते हैं, खुद ही आता रहेगा और वो करता रहेगा साफ, पतीली साफ करने के लिए। इसके अंदर लिक्विड आप भर लेते हैं, जो भी होता है लिक्विड सोप, एंड देन यू स्क्रब विद इट, एंड ये बढ़िया सफाई करते हो जाता है। हाँ, कितनी अच्छी चीज है। मजेदार। तुम बता दो। ये बड़ा छोटा सा एक है, ये इस तरह का कटर है कह सकते हैं, इसमें ये एक क्रिंकल टाइप चीज है, चिप्स जैसे आलू के चिप्स, तो इसको काटा है ना, कट सकता है, मैंने अक्सर देखा है खीरा का आज। तो जो बच्चे खाना नहीं खाते कि भाई ये वो, तो आप उनको इस तरह से प्रेजेंट करके दें तो बड़े अट्रैक्टिव सा लगता है बच्चों के लिए। सैलेड भी कट सकती है, आई गेस, खीरे को भी ऐसे आप काट सकते हैं, वो भी अच्छे शेप में कटेगा, शेप डिफरेंट है। वेरी नाइस। और तुम ये भी तो बताओ, ये क्या रखा हुआ है, ये लिक्विड? अच्छा, ये इसमें ना सही से निकल नहीं रहा, बट जैसे ये जो बॉटल है, इसके अंदर आप हैंड वॉश डाल सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लीनिंग एजेंट डाल सकते हैं। okay. जो इसको जब आप प्रेस करते हैं ना, तो ये फ्लावर के शेप में निकलता है। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, नई हाथ धो रहे या कुछ, तो ये उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ है, कि एक फन सा ऐड हो गया उनके लिए, कि भाई जाए तो फ्लावर बन के आ गया ऐसे करके। ये तो गलती से मेरी टीम ने इसके अंदर लोशन डाल दिया, तो वो निकल नहीं रहा। दिस इज नॉट फॉर लोशन, लोशन भी लग सकता है, लेकिन वो जो फूल बनता है ना जाग वाला, वो बनता है हैंड वॉश से। इसके इस बॉटल के अंदर हैंड वॉश डालेंगे और जब आप इसको प्रेस करेंगे, निकालेंगे ना, नीचे रख के प्रेस करके निकालेंगे, तो वो फ्लावर की शेप का निकलेगा। सो बच्चों के लिए अट्रैक्शन होगी, ओ फूल आ गया, फूल आ गया। अक्सर बच्चे नहीं हाथ धोते, मैं तो कितनी दफा पकड़ा है बलाज को, हाथ धोए बगैर आगे बाहर चलो अंदर, उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। अच्छा, बच्चे तो यही करते हैं, ऐसा ही है। जब उनको पता है ये खेल है, ओ फूल तो आएगा, करेंगे तो जान मुझ के। हाँ, ओके, तो वो चल वाली चीज मैं बताऊं। हाँ, ये बहुत हैंडी, क्योंकि जब प्लास्टिक होते हैं अक्सर आप देखते हैं जो आइस टूट भी जाता है, यूं यूं करने जाते हैं, ये क्योंकि नीचे सिलिकॉन दिया है, तो आपने सिर्फ ये प्रेस करना है और ये क्यूब्स बाहर, तो बहुत इजी है, हैंडी। तो हमें अब जो है ना, अपने फ्रिज में, फ्रीजर में इस वाली ऐसी ट्रेज होनी चाहिए, सिलिकॉन वाली। ये और ये भी एक और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे वो जो प्लास्टिक वाला होता है, उसको तो आप दो निकालना चाहे तो वो तो और ही निकल जाती है। एक इसमें आपने एक निकाली, दो निकाली, आपने वही वही हाथ मारा,
वही चीज बाहर निकलती भी नहीं है, अड़ जाती है बड़ी, नहीं निकलती, मैंने तीन दफा मारी है वो टूट ही गई, टूट जाती है। पानी भिगो थोड़ा सा डालो, तो वैसे एक डालना है दो डालना है, सिलिकॉन है पीछे क्योंकि ये है रबर सिलिकॉन टाइप, ये प्रेस किया वो बाहर आ गई। हां ये वेरी नाइस, बेहतरीन। और ये फिर मुझे बहुत याद दिला रहा है, तुम लोग फिर कहोगे अभी तक आई नहीं, क्योंकि मैं अभी तक वैसे आई नहीं हूँ बाहर वहाँ से, पराठे बनाते हुए या कोई भी बारबेक्यू करते हुए जब आपको ऑयल करना पड़ता है, हम जो रुई में भिगो भिगो के कर रहे होते हैं, रुई के टुकड़े रह जाते हैं, तमाशा घर में मुस्तकिल वो लगाए थे, इतना गंदा हो रहा था, चिप 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 चिप, बाद में सफाई करो तो इसके अंदर आपने ऑयल डाला और उसको ग्लेज कर दिया पराठे पे, ऑयल भी ऐसे डाल सकते हैं पराठे पे, बारबेक्यू पे, फ्राइंग पैन में, एनीथिंग, तो बहुत बेहतरीन है। ये देखो हल्का सा ये ब्रश लगा हुआ है, हाँ, और खास तौर पे जो जिन ठीक है ना, इसलिए और उसको पूरा फैला दिया, बस फैला दिया खत्म। अक्सर हमें जो है वो जो बेकिंग ट्रे के ऊपर भी तो फैलाना होता है बटर या ऑयल, हाँ, या कुछ ग्लेज करने के लिए, ग्लेज करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, वेरी अच्छी हैंडी चीज है, और रबर की आराम से यू नो मेन हो जाती, गुड 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 गुड, तो बेहतरीन है। हां भाई मेरे पास इनकी तरह की एक चीज है, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ब्रशेस है, एक बॉय के लिए एक गर्ल के लिए, आपको डिप करना है और ग्लेज करना है। बॉय और गर्ल की कहां से बात आ गई, रेड एंड रेड, और ये है, ये क्या लहसुन की स्मेल आ जाती है आपको जब लहसुन हाथों में ना होता है, जी, तो इसके अंदर आप ये रखेंगे लहसुन का, अच्छा वो रखा या अदरक लहसुन दोनों में, बल्कि नींबू भी रख सकते हैं, उल्टा रख रही हूं, वो आपकी मर्जी, अच्छा रखा भाई पक्का, जी जी वो ढक्कन जो तुम्हारे हाथ में उसको उल्टा डालो अंदर, यस नहीं नहीं वहाँ बैठे हुए वो कर बताओ क्या ये लहसुन ज्यादा नींबू है लेमन स्क्वीज़ है तो ये तो हार्ड है, अगर वो नरम वाले निकल रहे बड़ी भी ये देखो कितना मजे की चीज है, इसमें कोई भी चीज आपने डाली, कद्दू का शोरी है और वो और स्मेल भी नहीं आ रही लहसुन की, माजरत चाहती हूँ, तो पहले बताई थी तो मैं मामा को कि नींबू निचोड़ने का, अब सही है ना, तुम गलत गाइड कर रही थी पहले, लहसुन अदरक बजाय सेव करके रख लेते हैं, आपने डाला अंदर, और ये भी बताओ ये आप ना आपका जो बेसन होता है किचन का उसमें ये पाइप फिक्स हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है ना, अच्छा, पानी लेके चारों तरफ धोना पड़ता है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करनी, आप ऐसे करेंगे, नहीं बेसिकली इसके नीचे ब्रश भी तो है, और ये ब्रश है, अगर आपको कोई चीज वॉश करनी है तो ये निकल, जैसे अगर जैसे वो जो बॉटल्स होती है बॉटल के अंदर नहीं साफ हो पाता, नहीं दूसरी चीजें मैं बताती हूँ ये क्या चीज है, एक्चुअली जो मेरा सिंक है किचन का उसके ऊपर वो स्पेशली उसी मटेरियल का जिसका सिंक है, इस तरह का ब्रश लगा हुआ है, अच्छा, तो वो ब्रश को मैं मूव कर सकती हूँ, तो पाइप पे ये जो है वो डिस्पोजेबल, अच्छा। इधर लगा लो उधर लगा लो, आपके पूरे सिंक में पानी जाएगा, बड़ा अच्छा रहता है, एक शावर की तरह का पानी आता है उसमें से, सो मैं उससे पूरी सब्जियां वब्जियां आपने पाइप निकाला, आपके फ्रूट्स हैं, आप बास्केट है मेरे सिंक में, अच्छा अच्छा, मैंने अपने उसमें धो लिया बाल धोने का जैसे सैलून के अंदर अलग से निकाल लो, बिल्कुल, सो ये बेसिकली वो है कि इससे सफाई भी हो रही है, फ्राइंग पैन धो रही है तो निकल रहा है पानी भी निकल रहा है, और अभी एक रह गया क्या, ओ ये क्या है, बस्ता, बिल्लू का बस्ता, आप पानी भी रख सकते हैं, दाल चावल भी रख सकते हैं, अच्छा कंटेनर सॉर्ट ऑफ है, कंटेनर है, और ये एक बहुत अच्छे काम आ सकते हैं जब आप सीवी वगैरह जाते हैं, हाँ। तो आपके पांव गंदे होते हैं बच्चों के, वो रेत वाले पांव लेके गाड़ी में बैठते हैं, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, साफ पानी रख लें आप, वेरी गुड आइडिया, ऐसा बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड बैग ना मिले मैचिंग का, देखो ना बहुत सारे इतने इतने कंटेनर आप गोल गोल लेते हैं, वो इतनी जगह लेते हैं, आपने इसको इसके अंदर आटा तो चीनी तो चावल के अलग अलग बैग, इतने महंगे भी नहीं है ये, वो करके स्टोर करके रख दिए, आइडियाज देखो सर कैसे बनाते, मैं वही कह रही हूँ ना, ये यहाँ का काम नहीं है, ये चाइना वाइना से आया, कितना सारा सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तभी तो पूरी दुनिया में इंसान चीज मतलब पागल हो जाता है, ये नई चीज आई है, तुम्हारा आखिरी क्या रह गया, सक्सेसफुल है ना वो, तुम मोबाइल वाला दिखाओ ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले मैं ये दिखा दूं, ये है जो आपकी पानी की बॉटल्स आती है और आपको उठाने में मुश्किल हो रही होती है, बड़ी वाली गैलन्स जो आते हैं डिस्पेंसर के, तो उसको उठा उसको यूं करके आप लगाएंगे और उठा के स्टेयर्स से ऊपर लेके जाना है, या आपने उसको घर में ऑब्वियसली कहीं से भी कहीं लेके जाना है, तो ऐसे तो नहीं आप उठा सकते, ये आप उसको लगाएं ऐसे हैंडल, उसका हैंडल लेके आप कहीं भी ले जाए,
ये मोबाइल वाली बड़ी पसंद आएगी आपको, टिकटॉकर्स को। ये जो है ना, ये मोबाइल आपने अंदर डाला इसके, और आपने जैसे स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं या आप कोई भी बारिश हो रही है मेरे पास, बेसिकली स्कूबा डाइविंग कौन जाता है, उसी के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग होती है तो आप सारे स्पोर्ट्स एडवेंचर्स कर रहे होते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर पूल है ना, आप पूल में लेके जा सकते हैं, बीच पे लेके जा सकते हैं, बारिश होगी है उसके लिए यूज हो सकता है। अक्सर पानी से मदिया यहाँ पे पाकिस्तान में अक्सर बारिश एकदम हो जाती है तो लोग अपनी प्लास्टिक की थैली में मोबाइल लपेट लेते हैं, यहाँ पे बारिश के लिए आप इस्तेमाल। मेरे पास इसका स्ट्रैप भी है, हमने वहाँ से लिया था। आपको पता, मेरे पास ऐसा आर्म बैंड था जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी, तो जब मैं लैप्स लगाती थी तो वो एक गिवन मुझे होता था कि तुमने इतने कैलोरी बर्न करने, इतने स्टेप्स लेने, ये करने, तो ऑब्वियसली वो मेरा फोन ट्रैक करता है, तो ये उसके साथ पसीने से बचाने के लिए, बारिश हवा हर चीज से बचाने के लिए इसमें करके वो बैंड होता था, देन आई यूज्ड टू रन जितने किलोमीटर्स भी करना होता था, एंड देन वो पूरा हार्ट बिल्कुल सेफ, बिल्कुल साउंड, कुछ भी इसमें मसला नहीं होता। वेरी नाइस, ये देखिए, थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या है, स्ट्रैप भी है। थैंक यू, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने के लिए लोगों से, और ये सब चीज़ें आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जमा करने से आपका अपना ही फ़ायदा होगा, फ़ायदा उठाना है तो ढूंढिए, जमा कीजिए, लेकिन ये हैं इधर मौजूद। थैंक यू आप सबका, आपका थैंक यू। ये था हमारा आज का शो, आज फ्राइडे है ना, आज छुट्टी आ गई, ये कितनी खुशी होती है, सुबह देर तक सोऊंगी, मेकअप नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मंडे को मिलेंगे, खुदा हाफिज़।